जयंती शाहनी तेरमी दिसंबर ना उजविए छे खुशी जमात मात्या त मौला ने वधाविए छे દીદારની તમન્ના છે આ સર્વે મોમીનો માં સદા જલ્દી ઉમેદ પૂરી થાય આ જલ્દી ઉમેદ પૂરી થાય એવી છે આ શામને સદા જયંતી શાહની તેરમી ડિસેમ્બર ના ઉજવીએ છીએ યા મૌલાઓ મુશ્કિલ કુશા ઓ કરીમ શા ઓ હાજરી મા તારા જન્મદિનની ખુશીમાં તારા જન્મદિનની ખુશીમાં આ પાગલ છે જમાત તમામ જયંતી શાહની તેરમી ડિસેમ્બરના ઉજવીએ છીએ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरी मेरी बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि नूरुल्ला भाई हो यहाँ पे और मौला बापा का सॉन्ग चले और मौला बापा की फोटो हो नूरुल्ला भाई की डीपी पे। अस्सलाम वालेकुम नूरुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जैसा लगा गाना भी बजाया आपने, वैसा ही जैसा आपने जो गाना बजाया है ना अभी, वो वैसा ही देखिए। वो डिस्को, मैंने फोटो लगाया डिस्को वाला, जैसे अभी आगा खान डिस्को में जा रहा है गॉगल वॉगल लगा के। पहला पहला आपको टास्क ये दूंगी कि ये बीच में जो इसने बोला गुजराती में कि पूरी जमात तारे पीछे पागल छे क्या बोला इसने? अरे आप शौक चौंकाने वाली बात ये है, अब ये जब गाना सुनेंगे ना, इसने इसने बोला है जयंती, जयंती उसकी रखी जाती है जो मरा हुआ है, समझे? हिंदुस्तान में या जयंती उसकी रखी जाती है जो आदमी मर गया है। अभी आगा खान मरा है, जिंदा है वो, तो उसकी जयंती क्यों मना रहे भाई यानी कि ये बर्थडे था या ये जो है वो मरने का सॉन्ग था, ये क्या था अभी तक क्लियर नहीं हुआ मुझे। अभी जयंती जयंती बोल रहा है तो फिर वो मरने के बाद का ही सॉन्ग है वो, क्योंकि वो खुशी में बोल रहा है जयंती, 13 दिसंबर का जो खुशी है उसकी दिल में वो जाहिर कर रहा है, लेकिन वो जयंती बोल रहा है। जयंती का हिंदुस्तान में मतलब होता है, हिंदी में जो लफ्ज है जयंती, उसको कोई इंसान कोई शख्स मर जाता है तो उसके बाद ये जयंती मनाते हैं, शोक क्या मनाते हैं। ये तो जिंदा है। सही, बहुत दिनों से आपका जो है वो आपकी स्टोरी, आपकी जो इतने अरसे से हमने आपको देखा है, कभी आपकी बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच होती है मौला बापा की तरफ, आप ऐसी ऐसी पोस्ट भी लगा देते हैं जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी आईडीज भी जा चुकी हैं, पेजेस भी गए हैं आपके, आपको बहुत ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ता है इस्माइली जमात की तरफ से। जी आपकी जो पोस्ट है वो बहुत ज्यादा फनी भी होती है लेकिन उसके पीछे कुछ मैसेज भी होता है। क्या जी फील करते हैं कि आप जब कोई पोस्ट लगाते हैं तो आपके जहन में क्या चल रहा होता है कि आपने उनको सरकास्टिकली बुलाना है इस दावत की तरफ, या फिर आप उनको एक तरह का मतलब उनको उठाने के लिए, सोए हुए को उठाने के लिए कई दफा हाथ से नहीं पानी भी मार के उठाना पड़ता है, क्या आपकी जी सोच होती है इस सारी पोस्ट के पीछे? देखिए, सोच जो है मेरी, ये इस्माइली लोगों को उनके दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं है, मकसद वो नहीं है। मकसद ये है कि उनकी आंखें किसी ना किसी तरह खुले। ये जो उनकी जो आंखें जो बंद हैं, जो सोई हुई है, वो इस ये मैसेज को पढ़कर कि
कि वो जो जमात खाने के अंदर जो वो चीजें करते हैं, जो गुना माफ करवाते हैं आगा खान से, पैसे वगैरह देकर, छाटा वगैरह लेकर जो ये काम करते हैं, तो ये उनकी ये मैसेज पोस्ट देखकर उनकी आंखें खुले और उनको मतलब पता चले कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है और इसका इस्लाम में कोई वजूद नहीं है, उसका इस्लाम में कोई मकाम नहीं है। बस उतना ही पैगाम पहुंचाना होता है, मकसद उनके दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक नूरुल्ला भाई। कभी ऐसा मौका भी नहीं मिला कि आपकी जो है वो हम स्टोरी सुने। जरा मुझे आज तक मतलब ये चीज, मतलब मैं, आप भाई हैं और कभी जहन भी नहीं गया कि आपकी तरफ भी मैं सोचूं कि भाई की भी स्टोरी सुनो। आपने कभी सरसरी बताई थी। आज इतने अरसे से आप हमारे साथ हैं और माशाल्लाह इस काम के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ अपने बारे में बताइए कि आप कैसे, मतलब कैसे आगा खानी थे पहले, कितने जी देखिए, कट्टरवादी थे। मैं एकदम कट्टर आगा खानी था, क्योंकि क्योंकि आगा खानी जब मजहब में था मैं, तो वहां पर मैं तरीका बोर्ड का एक नुमाइंदा था। रिलीजियस एजुकेशन जो बोर्ड होती है, तरीका बोर्ड, वो मुझे टास्क देती थी, जैसे अगर किसी की मैयत हो गई है इस्माइली कौम में, तो मैं जाकर वहां पर उनके कब्रस्तान में नमाज मैयत पढ़ाता था। अगर किसी का निकाह करवाना है तो मैं जमात खाने जाकर निकाह करवाता था, वो चीजें बोलता था जो वो किताब में होती थी, और ईद नमाज भी मैं बच्चों को वहां पर सिखाता था, और मैं खुद ने भी बहुत मरतबा ईद नमाज पढ़ाई है। और तो मेरी ईद नमाज और मेरी अरबिक दुआ वगैरह सुनकर ये तरीका बोर्ड ने फैसला किया था कि मुझे उनका नुमाइंदा बनाएंगे और मुझे इनको बच्चों को सिखाने का मौका देंगे। तो जिसको भी मैं सिखाता था वो जाकर ईद नमाज पढ़ाया करता था, उनकी जो ईद नमाज होती है ईद के दिन पर वो पढ़ाया करता था। तो इस तरह से मेरा ये हुआ कि आगे जब बढ़ा मैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज मुझे दी गई, जैसे बच्चों को सिंधी में पढ़ाना, आरिसी में पढ़ाना, उनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री वगैरह पढ़ाना और थोड़ा बहुत उनको सिखाना आगा खान के बारे में, इमामत क्या होती है वगैरह। तो वो थोड़ी थोड़ी चीजें मैं बच्चों को सिखाता था। तो ऐसी मेरी शुरुआत इन्होंने मेरी शुरुआत हुई जमात खाने के अंदर, और फिर आगे चल के अरेबिक दुआ मुझे पढ़ाने का मौका मिला जमात खाने के अंदर। तो अरेबिक दुआ मैं पढ़ा भी देता था जमात खाने के अंदर, और जब भी मैं जमात खाने में एंटर होता था तो दुआ पढ़ने वाला कोई नहीं होता था, तो मुकी साहब जो है मुझे देख कर बोलते थे कि आ जाओ भाई, दुआ दुआ पढ़ा लो। अच्छी। तो हाँ, तो इस तरह से मेरी वो आगा खानी मजहब में मेरा ये था, मकाम था, नऊज़ु बिल्लाह। तो नहीं तो आप जब आगा खानी थे तो कभी गुजरा भी नहीं दिमाग से कि मैं गलत कर रहा हूँ, गलत दुआ पढ़ा रहा हूँ, यही इसमें शेर किया, कभी जहन से गुजरा था आपको ये बातें? नहीं देखिए, जहन से तो नहीं गुजरा था, क्योंकि तभी इतनी मुलाकातें मेरी जो है मुसलमान दोस्तों से नहीं हुई थी ना, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स जो मुसलमान बने वो कॉलेज के दौरान बने, समझे। तो जब मैं कॉलेज वगैरह जाता था तब मेरे मुसलमान दोस्त बने, और मुझे कभी कभार वो जुम्मे की नमाज पढ़ने ले जाया करते थे उनके मस्जिदों के अंदर, तो उनके साथ में चला जाता था और देखता था किस तरह वो नमाज पढ़ते हैं, किस तरह वो जो है एक्शंस करते हैं नमाज में, वो सारी चीजें देखकर फिर मैं उसको ध्यान में रखता था, और फिर मैं सोचता था कि यही सारी जो चीजें हैं, रुकू करना, सजदा करना और फिर कयाम में बैठा, ये सारी चीज तो जमात खाने में ईद नमाज के दौरान भी होती है, लेकिन ये फर्क जो है बहुत मुझे डिफरेंस लगा। लेकिन तभी मैंने सवाल नहीं किया उनसे, बाद में फिर मौका मिला तो मैंने उनसे सवाल किए सारे ये। सही। लेकिन नूरुल्ला भाई, जिस तरह एक आपको पता है हमारे पास किस तरह के एग्रेसिव टाइप के भी लोग आते हैं, जो जिनको अगर थोड़ा सा बोला जाए कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते तो बहुत ज्यादा मुसलमानों पर ही तनकीद करने लगते हैं। आपके दिल में भी मुसलमान की तरफ से कुछ गुस्सा था कि ये गलत होते हैं या हम सही हैं? क्या मेंटालिटी हुआ करती थी आपकी उस वक्त मुसलमानों की तरफ? जी देखिए, 14 साल पहले की बात है, उस वक्त में इतना मुसलमानों के जो अभी जो इस्लामोफोबिया चल रहा है उस वक्त इतना कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरे इतना मुझे उनको देख के तकलीफ नहीं होती थी, जिस तरह अभी इस्माइली को हम लोग को देखकर, यानी कि हम जो मुसलमान को देखकर तकलीफ होती हैं, उस वक्त में ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि मुसलमान लोग जो है हमारी कॉलोनी में आते थे, हमारी बहुत सारी जो है जो मेड्स होती हैं वो इस्माइली कॉलोनी में, वो मुसलमान भी होती हैं,
ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भेदभाव वगैरह सब कुछ नहीं था उस वक्त में, जिस वक्त आज है। यानी आज ज्यादा हो गया है क्योंकि वो जी मुल्हिद वगैरह भी उठ पड़े जी हैं, और उनको भी उन्होंने भी कोई इस्लाम के खिलाफ इतनी बातें की, यानी कि आप एक न्यूट्रल टाइप के आदमी थे। लेकिन जी नूरुल्लाह भाई, आपने कभी अपनी तालीमात को गलत नहीं समझा था, आप दुआ भी पढ़ाते थे, आप सारी क्रियाओं में भी थे। वो कौन सा पॉइंट था जहां पे आपको ऐसा लगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ है, कहीं पर गड़बड़ है? देखिए, मैं मेरी जो रिवर्स स्टोरी है, सबसे पहली बात तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, और अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि उसने मुझे उस कुफर और शिर्क की दलदल से निकाल कर हिदायत अता फरमाई और मुसलमान बनाया। सबसे पहला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो मेरी जो रिवर्स स्टोरी है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ ये किस तरह हुई है। जी मेरी और मेरी वाइफ की मुलाकात कॉलेज के अंदर हुई। हम लोग साथ में कॉलेज में पढ़ा करते थे। मैं 12th स्टैंडर्ड में था और वो 11th स्टैंडर्ड में थी। मैं कॉमर्स फील्ड से था और वो आर्ट्स फील्ड से थी। तो हम दोनों कॉलेज जाया करते थे एक ही साथ, एक ही बस के अंदर। पब्लिक बस होती थी जो हमें पिकअप करने आया करती थी। तो वहां से हमारी मुलाकातें शुरू हुई, और मुझे शर्म भी महसूस नहीं होती है ये सब बताने के लिए, क्योंकि इसके जरिए से मुझे अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। तो मुझे बिल्कुल जी भाभी जो है हमारी, वो मतलब वो भी इस्माइली थी या मेन स्ट्रीम मुसलमान, क्या क्या मतलब? जी नहीं, भाभी मेन स्ट्रीम मुस्लिम थी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी भाभी, और जी 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 आपकी माफ कीजिए जी, आपकी भाभी यानी कि मेरी वाइफ जो है वो मेन स्ट्रीम मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा और मेरी वाइफ की मैं थोड़ी सी तारीफ करना चाहूंगा इस रिवर्स स्टोरी के अंदर, क्योंकि माशा उनका बहुत बड़ा जो है अल्लाह की हिदायत के अंदर उनका बहुत बड़ा इसमें जरिया है, हाथ है। और अल्लाह। वो मतलब इतनी सादी किस्म की वाइफ है मेरी, और हमेशा हिजाब में रहने वाली, हमेशा कुरान पाक की तिलावत करने वाली, और नमाजों में 5 वक्त नमाज, एक भी नमाज उसकी मिस नहीं हुआ करती थी। रमजान के वक्त एतकाफ में बैठने वाली, ऐसी जो है दीनदार मुझे की लड़की के साथ मेरी मुलाकात हुई। और मैं डिजर्व भी नहीं करता था ऐसी लड़की के साथ मेरी मुलाकात होना, अल्लाह ने करवा दिया। वो मुलाकात का जरिया जो है वो फिक्स जो है अल्लाह सुबहाना व ताला की तरफ से हुआ, कि हमारा बस में मिलना, फिर कॉलेज में साथ मिलना, और फिर कॉलेज के दौरान वो मुझे थोड़ा थोड़ा बताया करती थी कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। लेकिन उस वक्त में मैंने उसको बताया नहीं था कि मैं इस्माइली हूँ या आगा खानी अच्छा, हूँ। आप हाँ भाभी को धोखा दे रहे थे। नहीं, भाभी को देखिए, मुझे मुझे बताना था उनको, मेरे पास वक्त था उनको बताने के लिए। लेकिन अगर मैं उस वक्त में बता देता तो जो है, क्योंकि मेरा जो उनके साथ जो मेरी मोहब्बत थी वो टूट ना जाए, मेरा जो उनके साथ जो मेरी मोहब्बत थी, और मैं दिल से उनको बहुत लाइक करता था, प्यार करता था, तो वो मैं नहीं चाहता था कि वो टूट जाए। नूरुल्लाह भाई, तो आप तकिया कर रहे थे अच्छा जी क्योंकि जी क्योंकि फिर बाद में वो हम लोग मिलते थे, फिर हम लोग साथ में बस में भी आया जाया करते थे, कॉलेज से आना फिर जाना, फिर बातें रास्ते में हुआ करती थी। तो थोड़ी बहुत चीजें वो मुझे अपने मजहब के बारे में बताती थी, इस्लाम के बारे में। फिर पन उसने कभी मुझे पूछा नहीं, क्योंकि उसको लगा कि मैं मुस्लिम हूँ और मेरा नाम जो है जो नूरुल्लाह मुसलमान था, तो हो। हाँ, तो उसको लगा कि मैं बेशक चेहरे से भी मुसलमान दिख रहा हूँ और नाम भी मुसलमान है, तो उसको लगा कि मैं मुसलमान हूँ। अब हालांकि अच्छा, अंदर की स्टोरी उसको पता नहीं क्या है, जो अंदर का जो गड़बड़ है ना वो उसको पता नहीं था क्या है। तो एक मर्तबा कुछ अरसा बीता तो मैंने उसको बताना मुनासिब समझा कि मेरी जो मजहब है, मेरा जो मजहब है, मेरा जो अकीदा है, वो आपके अकीदे से और आपके मजहब से बिल्कुल हटकर है, इस्लाम से बिल्कुल हटकर है। और हमारा अकीदा ऐसा है कि हम लोग आगा खान की जो है, यानी कि वो हमारा इमाम है, और हम लोग नमाज वगैरह नहीं पढ़ते जैसे आप लोग पढ़ते हैं, और हमारी दुआ होती है, आप लोग की नमाज होती है तो हमारी दुआ होती है। और इस तरह से मैंने थोड़ा कुछ उसको बताना मुनासिब समझा। तो जब मैंने उसको ये चीजें बताई, तो ये सारी चीजें जो है घर जाकर उसने उसकी बहन को बताई, अच्छा उसकी सगी बहन है
उसने सारी चीजें कि ये जो लड़का है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वगैरह, तो ये लड़के ने मुझे ये चीजें बताई हैं कि ये नमाज नहीं पढ़ते, दुआ पढ़ते हैं, और बहुत सारी चीजें जमात खाने के अंदर उन्होंने मुझे बताई हैं। मुझे, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन आप इनके इसके बारे में चेक करें। तो ये बातें मेरी बहन, उनकी उसकी बहन ने मेरे उसके अब्बा को बताई, यानी कि मेरे वाइफ के अब्बा को, मेरे ससुर जी को। तो मेरे अब्बा को बताने, उनके अब्बा को बताने के बाद, ससुर जी को बताने के बाद, ससुर जी ने क्या किया कि वो सारे सिटी में घूमे, सारे उलेमाओं के पास गए, सारे उलेमाओं के पास जाकर एक एक से पूछा कि मेरी लड़की इस लड़के को चाहती है जो इस्माइली है, तो शादी करना है तो ये मुनासिब है या जायज है या नाजायज है। सारे उलेमाओं से पूछताछ करी, तो सारे उलेमा ने एक ही जवाब दिया, भाई इस्माइली आगा खानी लोग इस्लाम के हिसाब से अमल नहीं करते, उनका अकीदा बिल्कुल अलग है, तो लिहाजा आप जो है मुसलमान से शादी उनकी करवाएं, ना कि इस्माइली लड़के से, क्योंकि इस्माइली आगा खानी लड़के जो हैं उनका मजहब, उनका अकीदा इस्लाम से बिल्कुल हटकर है, अच्छा और उनका पूरा जो है टोटली डिफरेंट चीजें वो लोग करते हैं। उनको, उलेमाओं को पता था कि उस वक्त में कि आगा खानी लोग, थोड़ा बहुत उनको पता था कि आगा खानी लोग क्या करते हैं, और आज तो बहुत कुछ पता चल गया है ये प्रोग्राम्स के वजह से, हमारी जो चीजें चल रही हैं उसके वजह से बहुत सारी चीजें को खुलासा हो गया है। उस वक्त में तो थोड़ा बहुत था, लेकिन अभी तो बहुत सारा हो चुका है। तो मेरे ससुर जी ने घुमा 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 फिर कर ये सारी चीजें उनके दिमाग में आई कि बाबा ये तो मुस्लिम नहीं है, तो मुस्लिम नहीं है। तो लेकिन अपनी लड़की के खिलाफ वो जा नहीं सकते थे, क्योंकि वो मेरे वाइफ मेरे से बहुत मोहब्बत करती थी, तो और मुझे वो छोड़ना नहीं चाहती थी, और उसको मुझसे ही शादी करनी थी, मुझसे ही निकाह करना था, और मुझे भी उससे निकाह करना था, और मैं भी उसको पसंद बहुत करता था। तो फिर ये मेरे ससुर जी ने मेरी जो वाइफ है उसको पूछा कि देख ये मुसलमान नहीं है, तो उसने क्या कही, बोली कि मैं जो है उनको दावत दूंगी, मैं उनको इस्लाम की तरफ बुलाऊंगी, उनको बताऊंगी कि क्या सही है क्या गलत है, अगर वो फिर भी नहीं माने तो मैं उनको छोड़कर आ जाऊंगी, मैं अपने ईमान को नहीं बेचूंगी, मैं अपने ईमान का सौदा नहीं करूंगी, मैं अपने माशाल्लाह। उनको छोड़कर मैं आ जाऊंगी। क्या बात है, भाभी सही मुजाहिदा है। फिर बेशक। तो वो भाभी जी, तो ने फिर भाभी शादी हुई, एक्चुअली वो मंगनी हुई सबसे पहले। मंगनी के लगाई। दौरान मेरे अब्बा अम्मी तो नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनको इस्माइली लड़की चाहिए थी और उनको बिल्कुल मुस्लिम लड़की पसंद नहीं थी। तो मेरे बोलने पर, मेरे जिद करने पर मेरे मम्मी पापा साथ में उनको मैं लेकर गया मंगनी करवाने के लिए, मेरी और मेरी वाइफ की। अच्छा जी, तो मंगनी हुई, मंगनी के फिर 1 साल बीता, हम लोग फोन पर वगैरह, उस वक्त वो छोटा सा फोन हुआ करता था नोकिया वाला, 6600, वो 1100 फोन हुआ करता था नोकिया का छोटा सा, उस जो वक्त में भी सर पे मारो तो सर फट जाए वैसा वाला, मोटा वाला। वैसा वाला मोटा वाला फोन। जी, तब तो वो स्मार्टफोन का जमाना भी नहीं था, तो छोटे छोटे फोन हुआ करते थे, और मोबाइल फोन का नया जमाना था उस वक्त में। तो हम लोग फिर SMS द्वारा, या फिर हमारे पास पेजर था, पेजर उस वक्त में, वो पेजर के जरिए से वो SMS भेजा करती थी। तो ऐसे मुलाकातें हुई। उसके बाद फिर मेन जो शादी का, जब निकाह का जब टाइम आया, तब लड़की वालों ने, यानी कि मेरी वाइफ के घर वालों ने कहा कि निकाह जो है इस्लामिक तरीके से होगा, आपके तरीके से नहीं होगा। ये तो गड़बड़ गड़बड़ हो गई बहुत बड़ी। फिर बहुत बड़ी ये तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पैदा हुई ना, ये तो मेन झगड़े का मकसद, झगड़े का जो जो बोलते हैं ना बुनियाद, यहाँ से शुरू हुई। अब ये बोलते हैं नहीं हमारे तरीके से होगी, इस्माइली तरीके से होगी, ये बोलते हैं नहीं मुसलमान तरीके से होगी, इस्लामिक तरीके से होगी। अब हमारे कॉलोनी में एक बड़े आदमी हैं, उसका उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता इस लाइव शो में, वो बहुत मुखलिस और बहुत अच्छे शख्स हैं, और उनके बोलने पर कि भाई देख ये लड़का इस लड़के से प्यार करता है, लड़की भी इस लड़के से प्यार करती है, अगर हमने इन दोनों के बीच में कुछ फूट पैदा करने की कोशिश की तो न जाने ये दोनों क्या कर बैठे। तो
उस जमाने की वो सोच में बोल रहा हूँ आपको कि ये दोनों हम्म, न जाने क्या कर बैठे। तो मेरे उस शख्स ने मेरे अब्बा को यानी कि मेरे पप्पा को समझाया कि जिस तरह से लड़की वाले चाहते हैं शादी कर ले, निकाह कर ले, भाई देख इस्लामिक तरीका है, हम भी इस्माइली हैं, हम भी थोड़े बहुत मुसलमान हैं। हाँ, तो उनका तरीका अपने में अपनाने में क्या प्रॉब्लम है, उनके तरीके से कर लेते हैं निकाह। तो इस्माइली कॉलोनी में वो शख्स की मौजूदगी में वो निकाह मेरा इस्लामिक तरीके से हुआ, मेहर मुकर्रर हुई, सारी चीजें खुतबा वगैरह हुआ और माशाल्लाह इस्लामिक तरीके से निकाह हुआ। लेकिन आप आगा और खानी ही थे तब तक भी, तब तक भी आगा खानी था मैं, जब तक आपने शादी हुई। धोखा दिया, आपने हाँ, धोखा दिया हमारी भाभी को। तो मैंने उसको बताया था ना शादी से पहले कि मेरा ये मजहब है, हम लोग अलग हैं थोड़े से। लेकिन जब उसने उसके ससुर मेरे ससुर ससुर जी ने जब उनसे मेरे वाइफ से पूछा कि जब अगर ये इस्लाम में नहीं आया तो क्या करेगी, तो उन्होंने कहा कि मैं दावत दूंगी, अगर फिर भी नहीं माने तो मैं उनको छोड़कर आ जाऊंगी, मेरे ईमान का सौदा वहां पर नहीं करूंगी, मैं उनके साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि अगर मेरे साथ वो रहती तो उसको फिर इस्माइली बनना पड़ता है ना सही। जी। तो शादी निकाह हो गया, सारी चीजें स्मूथ चलने लगी। लेकिन मैं नाइट शिफ्ट करता था उस वक्त में, मेरा मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था, तो कॉल सेंटर में मेरी यूएस शिफ्ट हुआ करती थी, नाइट शिफ्ट होती थी। तो नाइट शिफ्ट में करता था, सवेरे जब आता था तो मेरी वाइफ मुझे रो रो कर कहानियां सुनाती थी कि तुम्हारे अम्मी अब्बा मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं कि हमारे मजहब में यानी कि इस्माइली मजहब में तुझे आना होगा, ओ मुखी के पास जाकर तुझे छाटा लेना होगा। तो ये सारी चीजें मैं जब सवेरे घर आता था तो ये सारी चीजें मुझे रो रो कर बताती, क्या ये बात है। रो रोज का मामूल होता था, रोज कोई ना कोई टॉर्चर मेरे घर वाले उसको कर देते, चाहे कुछ कोई चीज से टॉर्चर करे, या खाना नहीं बनाए टाइम पर तो उस पे टॉर्चर, या फिर कुछ, क्योंकि वो इस्माइली नहीं बनना चाहती थी ना। मेन मकसद क्या था मेरे घर वालों का कि ये लड़की इस्माइली क्यों नहीं बन रही है, इमाम इमाम का छाटा क्यों नहीं ले रही है, हाँ, मेन मेन वो प्रॉब्लम इमाम इनका वो माफ था। करके, तौबा करके इमाम की दासी क्यों नहीं बन रही है। हाँ, इमाम की दासी क्यों नहीं बन रही है, ये इमाम के साथ इमाम के हाथ पे बैयत क्यों नहीं ले रही है, प्रॉब्लम क्या है। और हालांकि वो कट्टर मुस्लिम, घर में नमाज पढ़ने वाली, उसको मतलब जब शादी हुई निकाह हुआ तो वो घर में नमाज अदा करती थी, बेडरूम में हमारे मुसल्ला बिछाकर माशाल्लाह वजू वगैरह करके नमाज अदा करती थी। तो हमारे घर वाले उसको नमाज के लिए नहीं टोकते थे, लेकिन उसको इस्माइली होने पर टॉर्चर करते, इस्माइली क्यों नहीं हो रही है उस पर टॉर्चर। अरे भाई नमाज पढ़ रही है, वो मुस्लिम है, और क्या चाहिए आपको, आप सही। उसको इस्माइली बनाने पे तुले हुए हैं, जब आप खुद को मुसलमान बोल रहे हैं, इस्माइली बोल रहे हैं कि हम बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो नमाज पढ़ने दो ना उसको, घर में नमाज पढ़ रही है, क्यों नहीं रोक क्यों रोक रहे हो उसको, उसमें इस्माइली बनाने पे क्यों तुले हुए हैं। तो नूरुल्लाह भाई, साथ ये भी तो सवाल है कि जब उनका बेटा खुद नमाज नहीं पढ़ रहा, घर के बाकी लोग भी इस्माइली हैं, वो भी नमाज नहीं पढ़े, तो वो एक जो सबसे अलग होता है वो हमेशा आंख में खटकता है, तो ये भी तो वजह करेक्ट, हो सकती है ना। हाँ ये भी वजह हो सकती है, ये भी वजह हो ही है ना। देखिए ना, अभी आंख में खटक रही है ना, जब वो नमाज पढ़ रही है तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, बाबा ये नमाज उसका मजहब का कर रही है, हमारे मजहब का क्यों नहीं कर रही, ऐसा जमात खाने भी जाए ये जमात खाने कहना। भी जाए। हाँ, तो नमाज भी पढ़े, जमात खाने भी जाए, दोनों चीज करे, उनका ऐसा बोलना है, ओके। समझे। और आज तक वो बोलते हैं, आज तक वो बोलते हैं कि वो ये भी करती थी वो भी करती थी, क्या तुझे प्रॉब्लम था, बोले मुझे को प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम होता था उस वक्त बोला सही है। तो मैंने कहा देखो, वो मेरे वाइफ को बोला आप टेंशन मत लो, हम लोग सब अच्छा कर देंगे इंशाल्लाह, सब अच्छा हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। तो उस वक्त मैं जमात खाने भी जाता था और उसको मतलब छोड़कर वो नमाज पढ़ती थी मगरिब में और मैं जमात खाने जाता था। तो ऐसा थोड़े थोड़ा वक्त चला, थोड़ा 6-8 महीने चले और वो प्रेग्नेंट भी हुई, प्रेग्नेंट हमारा पहला बच्चा उसके पेट में था, उसकी कोख में था, वो हमल से थी। और
उस वक्त भी खुदा अल्लाह गवाह है इस बात का कि उस वक्त भी मेरे अम्मी अब्बा ने, मेरे मम्मी पापा ने उसको टॉर्चर करना नहीं छोड़ा। यह नहीं सोचा कि वो हमल से है, पेट से है, उसके पेट में बच्चा है। यह नहीं सोचा कि उसको क्या तकलीफ हो रही है, उसको दवाई का नहीं पूछ रहे हैं, उसको हाल चाल नहीं पूछ रहे हैं, उसको तकलीफ पे तकलीफ दिए जा रहे हैं आप लोग, सिर्फ इसलिए कि वो जमात खाने नहीं जा रही। सिर्फ इसलिए कि वो जमात खाने नहीं जा रही है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर तुझे जमात खाना नहीं आना है, इस्माइली नहीं बनना है, तो ये बच्चा गिरा दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह यहाँ तक बात आ गई थी। और इसी बात पर यानी कि मुझे मुझे यह बात मतलब मेरे मतलब आपने कही है तो डाउट तो नहीं है, लेकिन दिमाग एक्सेप्ट नहीं करा कि मौला बापा के लिए अपने सगे बेटे की औलाद गिराने तक भी आ गए थे ये आपके वालदैन। जी बिल्कुल, अगर तुझे इस्माइली बनना नहीं है, ये मेरे आंखों के सामने की कहानी है। और उस बात पर इतना झगड़ा हुआ था घर में, मेरा भाई और मैं मतलब साथ में लड़े थे घर के अंदर इस बात को लेकर, इस्माइली बन रही नहीं है, बच्चा गिरा दे, क्यों क्यों लाया है इसको, ऐसा वैसा, ये बहुत बहुत परेशानी हुई थी उस वक्त में। लेकिन और मोहम्मद मेरा भाई, फैम जी हमने तो इंडिया में हिंदू मुस्लिम की भी शादी सुनी है, तो वो लोग हिंदू लोग भी ऐसा नहीं करते मुसलमान की लड़की के साथ कि तू हिंदू नहीं बनती तो निकल जा, या मुसलमान के घर में कोई हिंदू औरत आ जाए तो वो भी उसे ऐसे नहीं करते। लेकिन इतना इतना ज्यादा आगा खानियों में, क्योंकि आप इंडिया की बात बता रहे हैं जी तो मुझे बहुत हैरत हो रही है कि ऐसा तो कोई गैर मुस्लिम भी नहीं करता मुसलमान के साथ, जब उसे अपने घर में ले आए बेटी बना के। बिल्कुल नहीं करता। और ये डर उनको क्या था, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये बच्चा पैदा हो जाता उनके घर में, हाँ, और वो मुसलमान, वो इस्माइली नहीं बनता, तो इनको क्या प्रॉब्लम थी, आपको मैं खुला बताता हूँ। इनको प्रॉब्लम थी बाहर वाले लोगों से, जो इस्माइली कॉलोनी में जो लोग उन पर थू थू कर रहे हैं ना, कि तेरे तेरे बेटे ने मुसलमान से शादी की और उसको अभी तक इस्माइली नहीं बनाया, बच्चा भी पैदा हो गया उसको भी मुसलमान बना रहे, उसको भी इस्माइली नहीं बना रहे, तो ये इज्जत का फालूदा बोलते हैं इसको, इज्जत का फालूदा। कि हमारी इज्जत का फालूदा ना हो, इसीलिए ये सारी गेम है, समझे आप, कि मेरे बेटे ने मुसलमान से शादी की, तो की उसको इस्माइली भी नहीं बना रहा और कुछ बोल रहा भी नहीं, और बच्चे को भी मुसलमान बना रहा, उसको भी इस्माइली नहीं बना रहा, यानी कि हमारे तो इज्जत का फालूदा हो गया, तो हम लोग क्या किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये डर था इज्जत का, कि हमारी इज्जत ना चली जाए, समझे। सही है, हाँ, तो लेकिन ये डर के वजह से घर में झगड़े होते थे, इज्जत जाने के वजह से। देखिए, हमारा जो फैमिली है वो, हम लोग बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। वी आर नॉट सो रिच फैमिली एट दैट टाइम। ओके, तो मेरे मम्मी पापा जो हैं वो थोड़ा थोड़ा कॉलोनी में काम वगैरह करके पैसे कमाते थे, और मेरे डैडी जो है सर्विस वगैरह करके थोड़ा बहुत कमा लेते थे। तो उस वक्त में झगड़े बहुत हुआ करते थे, क्योंकि अगर ये फैमिली ऊपर से गरीब और बेटे ने शादी की है मुसलमान से और वो लड़की इस्माइली मतलब इस्माइली नहीं हो रही, तो और ऊपर से गरीब भी है, तो उनको ये डर था, इज्जत का जाने का डर तो था ही, साथ में साथ ये डर था कि लोग इनसे इनका काम ना छीन ले, जो ये काम कर रहे हैं ना सोसाइटी में, जिसके वजह से पैसे मिल रहे हैं, तो ये इसके वजह से मेरा काम ना छीन जाए, मैं कहीं और गरीब ना हो जाऊं, मर ना जाऊं, ऐसा इनको डर था। अब ये सोशल डर के बायकॉट। सोशल बॉयकॉट, यही है प्रॉब्लम, सोशल बॉयकॉट, कि कम्युनिटी को नहीं छोड़ना है, कम्युनिटी के अंदर इज्जत जाए नहीं चलेगा, छोड़ना नहीं कम्युनिटी को, प्रॉब्लम ये था। अब प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, झगड़े पे झगड़े रोज हो रहे हैं, और मेरी वाइफ उस वक्त हमल से थी, पेट से थी, उसमें उसको तकलीफ, उसकी बहन भी आ गई घर पे। अब उसकी बहन आ गई घर पे, उसके बहन के सामने भी झगड़े। मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी, तो बहन के सामने जब झगड़ा हुआ तो बहन को बर्दाश्त नहीं हुआ, ये तो रोज का, क्योंकि ये जो चीजें हैं, मेरी वाइफ, जाहिर सी बात है अगर घर में रोज झगड़े होंगे तो उसकी बहन को बताएगी ना वो, कि रोज का प्रॉब्लम चल रहा है इनके घर में, रोज झगड़े करते मेरे साथ में। तो बहन उस दिन आई घर पे, बहन के सामने झगड़े चालू, मारा मारी, मेरा मेरा भाई मारा मारी कर रहे घर में, किसके ऊपर से, कि
कि इसको इस्माइली क्यों नहीं बना रहा। झगड़े शुरू हो गए तो देखा नहीं गया, तो मेरी उसकी बहन ने मेरी वाइफ को लेकर कॉलोनी के बाहर चली गई और कहा कि आपको अगर बच्चा चाहिए, आपको अगर आपकी वाइफ चाहिए तो आपको हमारे साथ आना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा, हम लोग इनके साथ में नहीं रह सकते। अगर आपको रहना है आपके माँ बाप के साथ में, आप रहिए, अस्सलाम वालेकुम। तो वो उसकी बहन और मेरी वाइफ दोनों घर छोड़कर उस वक्त चले गए और मैं मेरी मेरी मम्मी को मेरे पापा को मनाने में लग गया, झगड़ा छुड़ाने में लग गया, लेकिन नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं है। बस इस्माइली क्यों नहीं बन रही, बच्चा गिरा दे, इस्माइली नहीं बनना है तो ये कर वो कर, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा छोड़ो ये सब और मेरे वाइफ के पीछे चला गया। वाइफ के पीछे जब गया, देखिए घर छोड़ना, घर छोड़ना तो मेरे लिए बॉयकॉट था, यानी कि घर छोड़ना, क्योंकि मेरे पास ना जेब में पैसे ना घर, यानी कि धोबी का ऐसी हालत हो गई थी, ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये असल जो बात है वो बताना मैं भूल गया आपको। इस झगड़े के जब झगड़े होते थे और जब झगड़े शांत होते थे तो मेरी वाइफ मुझे दीन, उस इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में बहुत अहम चीजें बताती थी कि ईमान क्या है, हम लोग क्या करते हैं, मुसलमान किसको बोलते हैं, और कुरान क्या है, ये सारी चीजें, और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, कौन है, ये सारी चीजें मुझे वो बताया करती थी। और उसने मुझे दावत देती गई, बताती गई। मैंने भी मेरे दोस्तों से जब मैं मिलता था उनके साथ में, मैं रहता था मुसलमान दोस्तों के साथ में, तो उनको मैं सारी चीजें पूछता था कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, तो वो बोलते थे कि नहीं ये तो गलत कर रहा है, तो ये तो तू जिसकी इबादत कर रहा है आगा खान की, ये तो शिर्क है, क्योंकि इस्लाम के अंदर सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाती है, इस्लाम के अंदर किसी इंसान की इबादत, किसी मखलूक की इबादत नहीं की जा सकती, चाहे वो कोई भी मखलूक हो, दुनिया की, आसमानी या जमीनी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ही इबादत किया जा सकता है जिसने आपको पैदा किया। तो और उनका तरीका मैं देखता था, क्योंकि उनके साथ में मैं नमाज पढ़ने जाया करता था मेरे मुसलमान दोस्तों के साथ में, क्योंकि मेरा माइंड फ्रेश फ्रेश करने के लिए मुझे किसी ना किसी के साथ बात करना बहुत जरूरी था, और ये सारी चीजें मेरे दिल में, दिल को खाली करना बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरे दिल में वो रो रोकर और दिमाग खराब होकर जो है मैं दिल हल्का करना चाहता था, किसी के पास जाकर बात करना चाहता था। और मेरी वाइफ के साथ तो बात करता था, लेकिन साथ में मुझे कोई और भी चाहिए था, मेरा दोस्त वगैरह जो मेरी बात को समझ सके पर्सनली, तो मैं उनसे मिला करता था, मेरे मुसलमान दोस्तों से। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो सऊदी में है तो मेरी मुलाकात उनसे होती रहती है कभी कभार, बात पे, आप फोन पर, जमात व्हाट्सएप खाने तो पे। जाते ही थे ना, जमात खाने में तो बहुत ज्यादा सोशल गैदरिंग होती है, तो जी वहां वहां आपकी ये जो एक ख्वाहिश होती थी कि मैं किसी से बात करूं, दिल का बोझ हल्का जी करूं, तो जमात खाने में तो बहुत ज्यादा सोशल गैदरिंग होती है, तो वहां किसी के साथ शेयर नहीं किया? वहां कैसे शेयर करता, वहां तो मसला हो गया था ना कि आपकी, आपने जो शादी की है मुसलमान से वो तो इस्माइली नहीं बन रही है, तो अगर मैं उनसे बात करने जाता, अगर कोई कोई इस्माइली दोस्त है मेरा, अगर मैं उससे बात करना चाहता हूँ, वो तो सबसे पहला यही टॉपिक निकालता, भाई तेरी वाइफ तो मुसलमान है, तो अभी तक उसको इस्माइली नहीं बनाया। अगर यानी कि नुरुल्ला भाई, दोस्त तब तक है इस्माइली जब तक आप इस्माइली हो। जहां करेक्ट, आप आपने उनके खिलाफ, उनके मौला पापा के खिलाफ एक कदम उठाया, तो वो दोस्ती भी भूल जाते हैं। और माँ बाप का तो ये हाल आपने बताया कि वो तो आपकी इकलौती होने वाली औलाद को भी जाया करने की बात कर रहे थे। तो इसका मतलब कि जब तक हो इस्माइली, तब तक तुम हो हमारे साथ। जिस दिन तुमने करेक्ट, अल्लाह को थाम लिया, अल्लाह की तरफ चल पड़े, उस वक्त तुम हमारे नहीं। यही बात है ना? यही बात है, यही तो प्रॉब्लम हुआ ना आगे। फिर तो जब जब मैं समझ गया कि, जब मैं इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि ये मैं जो बच्चों को सिखाता हूँ दुआ, जो बच्चों को मैं ईद नमाज पढ़ाता हूँ, जो ये दुआ वगैरह मैं पढ़ाता हूँ, क्या इसमें, क्या ये कितना सही है, तो मैंने उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया मेरे मुसलमान दोस्तों से। मैंने उनको मेरी दुआ की किताबें दिखाना शुरू की, देखो ये हमारी दुआ की किताबें हैं। तो उन्होंने, उनको गुजराती तो आती नहीं थी, तो मैं उनको पढ़कर सुनाता था, उसका तर्जुमा जो है ना वो दुआ का, उनको मैं पढ़कर सुनाता था।
तो वो तो सर पे हाथ मारते थे, अरे ओहो बाप रे, वो तो आप तो सबसे बड़ा शिर्क कर रहे हैं, सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं आप तो, इतना मेरे पे गुस्सा हो गए। बोले यार तू ये सब, नाम तेरा मुसलमान है और काम तेरे ऐसे शिर्क वाले, तो तू क्या कर रहा है? तो मैंने उनसे पूछा मैं क्या करूं, आप बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे तो ये चीजें आप जब बोल रहे हैं कि बिल्कुल अलग है, शिर्क वगैरह है, तो मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि एक काम कर, तू मेरे साथ में मस्जिद में चल, ठीक है, वहां पर तुझे कुरान मैं देता हूं, उसमें देख हिंदी के अंदर तर्जुमा है, तुझे अगर हिंदी आती है तो हिंदी के अंदर तर्जुमा पढ़ ले, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश वाला भी मैं तुझे कुरान ला के देता हूँ, वो भी तू पढ़ ले। तो मस्जिद में जाना शुरू किया, मस्जिद में जाना शुरू करने के बाद वो मेरे दोस्त ने मुझे कुरान ला कर दिया, उसमें तर्जुमा मैं पढ़ना शुरू किया, तो मेरे आंख से आंसू नहीं रुक रहे कि बाबा मैं अभी तक मैं क्या कर रहा था, और मैं अभी अस्तगफिरुल्लाह में बोला, फिर अभी क्या करूं मैं मुस्लिम, अभी तो मैं ये तो हकीकत मुझे पता चल गई, अभी मैं क्या करूं, मेरे दोस्त को पूछा। बोला भाई एक काम कर, अभी तो तू तेरे ना घर वालों को कुछ बता मत, तेरे वाइफ के पास जा, तेरी वाइफ मुस्लिम है ना, उसको ये सारी चीजें बता, वो तुझे कोई ना कोई इंशाल्लाह रास्ता बताएगी क्या करना है। तो मेरे वाइफ के पास गया मैं, मेरे वाइफ को बोला कि ऐसा ऐसा है, मैंने ये सब चीजें जो हम लोग करते हैं जमात खाने के अंदर ये वगैरह चीजें मैंने कुरान से चेक किया, मेरे दोस्त ने मुझे वो कुरान ला के दिए थे, कि उसको मैं साथ में कुरान भी लेके आया था, उसको मैंने बताया था कि ये कुरान कुरान मजीद है, इसमें तर्जुमा है, हिंदी के अंदर भी है और इंग्लिश में है थोड़ा बहुत। तो मैंने सब चेक किया तो मुझे पूरा यार एकदम ऐसा लग रहा था मैं गुनहगार हूँ, मैंने अभी तक कुछ करा ही नहीं, मैं तो गुनाह में धंसता जा रहा था, ये इतने सारी चीजें मैं इसमें देख रहा हूँ, तो मुझे कुछ बता, कोई रास्ता बता, मेरे वाइफ को कहा मैंने, पूछा मैंने। तो मेरे वाइफ ने कहा देखो आप मेरे साथ है ना, कल फजर की नमाज के वक्त उठना, ठीक है, फजर की नमाज के वक्त उठना, और जैसा मैं करती हूँ ना नमाज में एक्शन, वैसा आप करना। तो मैं बोला ठीक है। तो उसने मुझे फजर के वक्त, यानी कि हम लोग बेडरूम के अंदर हमारे घर के, उसने मुझे उठाई कि फजर का वक्त हो गया उठो, तो फजर के वक्त उठा, उसने मुझे वजू करना सिखाया, वजू किस तरह किया जाता है, मतलब वो दोस्तों को सिखाए थे वजू किस तरह करते हैं, लेकिन इंसान कैसा है ना कि वो टेंशन में रहता है तो थोड़ा बहुत भूल जाता है कि हाँ। तो फिर से मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि वजू ऐसा करते हैं, तो फिर वजू करने के बाद फिर जैसा वो नमाज पढ़ रही थी वैसा मैं नमाज पढ़ रहा था। अब जैसी नमाज मुकम्मल हुई वैसे ही मेरे वाइफ ने कहा कि आप जो हैं अभी हाथ उठाकर अल्लाह से आपको जो मांगना है मांग लो। अब मैं जब हाथ उठाया, हाथ उठाने के बाद मेरे आंखों से ऐसे आंसू बहने लगे, ऐसे आंसू बहने लगे कि उसका कोई उसकी कोई हद नहीं, इतने आंसू मेरे आंखों से आज तक नहीं बहे कि उस दिन बहे वो। और उसके बाद जो अल्लाह ने मुझे हिदायत अता फरमाई, उसके बाद से जो है हम लोग हमारे बेडरूम के अंदर ही, मैंने जमात खाना जाना बिल्कुल छोड़ दिया, उसके बाद मैं हमारे घर के बेडरूम के अंदर हम लोग साथ में नमाज पढ़ते थे, जैसा वो करती थी वैसा मैं करता था, उसने मुझे नमाज सिखाई। हालांकि औरतों की नमाज इस्लाम के अंदर थोड़ी सी अलग है मर्दों की नमाज से, लेकिन उसने मुझे थोड़ी बहुत जो है किताबें, मसनून किताबें बोलते हैं उसको, तो वो किताबें मुझे नमाज की लाकर वो बताती थी कि इस तरह से जो है मर्द नमाज पढ़ते हैं, इस तरह से औरत नमाज पढ़ती हैं, तो वो सारी किताबें मुझे लाकर देती थी उसकी बहन के जरिए से। ये सारी चीजें हैं जो ये उसके घर निकलने से पहले हुई मुझे वैसे उसके। जी नूरला भाई, मैं आपको स्टॉप कर रही हूँ। यकीन माने, मैं कहती हूँ, अगर कोई जैसे खूबसूरत एक इस्लामिक लव स्टोरी, हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खदीजा की मोहब्बत पढ़ते हैं, बीबी आयशा की, किस तरह उन्होंने अपने हस्बैंड्स के साथ दीन का काम किया, किस तरह, माशाल्लाह। मैं कहती हूँ अगर मोहब्बत हो तो ऐसी हो कि मैं तो जन्नत में जाऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन मैं अपने शौहर के बगैर नहीं जाऊंगी। उन्होंने आपको अपने साथ रखने के लिए, आखरत में आपकी निजात हो सके, उन्होंने आपको वजू करना सिखाया, यानी पाक होना सिखाया, फिर जी अल्लाह से दुआ मांगना सिखाया, फिर नमाज तक साथ पढ़ी। मेरे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा रोमांटिक स्टोरी रिवर्स्ड में आपकी है, माशाल्लाह। और मेरे तो दिमाग में बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा था आपके लिए,
तो माशाल्लाह कई लोगों को माँ बाप के जरिए हिदायत मिलती है, कई माँ बाप को बच्चों की तरफ से हिदायत मिलती है, कई लोगों को दोस्तों से मिलती है, कई कितने जरिए। लेकिन कितनी खूबसूरत बात है कि जो आपकी शरीक हयात है, जो आपके साथ आखरत में भी साथ होगी, जन्नत में बीवियां ही साथ होंगी और माँ बाप थोड़ी साथ होंगे, तो उन्होंने माशाल्लाह कितनी मेहनत की आपके साथ। मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन बहुत ही जी इंस्पायरिंग और रियल, मैं कहती हूँ रियल लव स्टोरी अगर होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। माशाल्लाह, कंटिन्यू और कीजिए। मेरी वाइफ का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने उसके जरिए से मुझे हिदायत अता फरमाई, और मैं अल्लाह 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 को जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है अल्लाह का, उसके सामने सजदे में झुक जाऊं। हम फील कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं कि आपको कितनी मोहब्बत होगी अपनी उस बीवी से कि जिसने आपको अल्लाह सुब्हान ताला से मिलाया, जिसने आपके दिल से कुफर और शिर्क निकाला, जिसने आपको असल दुआ किससे मांगनी है, कैसे मांगनी है, आपको मुवाहिद बनाया अल्लाह के हुक्म से। तो हम आपकी कैफियत समझ सकते हैं, और भाभी के लिए तो समझें, उन्होंने तो अपने आखरत का सामान कर लिया। उमूमन ये होता है कि औरतें जो हैं वो हस्बैंड की मोहब्बत में जमात खाने भी जा रही होती है सास ससुर को खुश करने के लिए। ऐसे ऐसे वाकयात भी मैंने देखे हैं, बड़ा दुख होता है मुझे जब वो कहती हैं कि नहीं, मैं तो अपने शोहर का भी साथ देती हूँ, मैं अपना भी करती हूँ, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं जमात खाने भी जाती हूँ, इससे भाई जी घर में पीस रहता है। जी ऐसे पीस का क्या करना है नूरुल्लाह भाई जो दोजख की तरफ जाए। तुम अगर आप आपकी बेगम की तरह सारी औरतें अगर आज जो ऐसे से मैंने वाकया सुने हैं कि भाई शादी को 15-15 साल गुजर गए लेकिन वो अपने शौहरों से कहती तुम अपना करो मैं अपना करूं, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत यही है जो नूरुल्लाह भाई की बेगम ने उनके साथ की, कि खुद भी आखरत को संवारा और उनको भी संवारा। तो जो बहनें अभी कंप्रोमाइज कर रही है ना, कंप्रोमाइज मत करो, क्योंकि अल्लाह ने शायद आपके लिए यही टेस्ट बनाया है कि तुम एक एक अपने हस्बैंड से अगर मोहब्बत करती हो तो उसको एक ही बात करो कि तुम इस्लाम कबूल करो वरना मैं चली, क्योंकि मैं अल्लाह के साथ किसी शरीक करने वाले के साथ नहीं रह सकती। बड़े सख्त फतवे भी मैंने सुने, लेकिन अभी तो नूरुल्लाह भाई आपकी माशाल्लाह स्टोरी जो है वो बहुत इंस्पायरिंग है, और हो सकता है कि बाकी औरतों को भी हिम्मत मिले, हमारी मुसलमान बहनों को जो इस्माइलियों से शादी कर लेती हैं और फिर उनका भी करती हैं और अपना भी करती हैं, ये गलत बात है। जी नूरुल्लाह भाई। जी बिल्कुल। तो जैसे वो जब मैं और उसी घर में इस्माइली कॉलोनी में रहते हुए मैं मुझे अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई, और फिर हमारी जिंदगी शुरू हुई, जमात खाना जाना बंद कर दिया। और जैसे मैं एक दिन जा रहा था काम पर, तो ये बड़े बड़े लोगों ने मुझे घेर लिया, ये मुखी कामड़ा ये सब, अच्छा के तू जमात खाने क्यों नहीं आता, पूछे जमात खाने क्यों नहीं आता, और तेरी वाइफ को तूने इस्माइली नहीं बनाया, चल वो तो ठीक है, और लेकिन तू जमात खाना क्यों नहीं आता, क्या तू भी मुसला बन गया, ये हाय लफ्ज हाय है कि तू भी मुसला बन गया। ये तो मैंने लफ्ज बोला बड़ा क्या मुसला मुसला कर रहे हैं आप। नूरुल्लाह भाई, ये वाकई ये मुसला मतलब अगर कहना है तो मुसलमान बोलो ना, ये मुसला क्यों बोलते हैं इंडिया के खोजे जो है वो मुसलमान होने पर। प्रॉब्लम उनको ये है कि उनको क्या लगता है कि हम लोग ही जन्नत में जाएंगे, हम ही जन्नत के हकदार हैं, बाकी लोग नहीं हैं, और हम ही सच्चे इस्लाम पर हैं, ऐसे उनको लगता है, समझे। हाँ प्रॉब्लम ये है, और कि तू तो मुसला बन गया, अभी चार पांच मुखी कांवड़ा जब घेर लेंगे कोई इंसान को तो उसको डर तो लगेगा ना, बाबा ये चार पांच जन ये आ गए सारे, ये भी मैं क्या बोलूं उनको, तो मैं डर गया। अरे उन्होंने कहा कि तूने तो तेरे वाइफ को इस्माइली नहीं बनाया, चल ठीक है, लेकिन तू जमात खाना ना छोड़ दिया, क्या नमाज नमाज पढ़ रहा है क्या तू अभी उसके साथ में, ऐसा बोल रहे, ऐसा पूछ रहे, क्या तू नमाज पढ़ रहा है क्या उसके साथ में, बोले नमाज पढ़ रहा हूँ, हाँ पढ़ रहा हूँ, क्या उसमें बुराई, क्या नमाज पढ़ने में क्या बुराई है, बोले वाह वाह तू तो मुसला बन गया, मुसला बन गया तू तो, बोला मुसला मुसला क्या कर रहे, तू मुसला मुसला क्या कर रहे, मुसला मुसलमान बोलो, मुसलमान मुसलमान बन गया। तो मैंने कहा कि देखियो तुम लोग बोलते हो कि हजरत अली, हम जो हजरत अली के अंदर जो हजरत अली का जो नूर है
वो हमारे इमाम के अंदर है। तो मैंने उनको ये सवाल किया कि आप लोग बोलते हो कि हजरत अली का नूर हम तुम्हारे इमाम हमारे इमाम के अंदर है, हाँ, और तो वो नूर जो हजरत अली का है, वो नूर हजरत अली क्या करते थे, खुद हजरत अली क्या करते थे, वो हमारे नबी के साथ में मिलकर क्या करते थे, नमाज पढ़ते थे। तो मैंने कौन सा गुनाह किया है, मैंने उनको कहा, हजरत अली जो नमाज पढ़ते थे वो मैं पढ़ता हूँ और मेरी वाइफ भी पढ़ती है वो नमाज, जो हजरत अली के घर वाले नमाज, जिस जो हजरत अली की घर की औरतें हैं उनकी जो अहली आती है हजरत फातिमा रजी अल्लाह अनहा, जो वो नमाज पढ़ा करती थी वो मेरी वाइफ पढ़ती है, और जो हजरत अली नमाज पढ़ते तो वो मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें क्या माशाल्लाह बुराई है, इसमें क्या बिल्कुल गलत गलत क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो वो बात को घुमाने, क्योंकि इस सवाल का उनके पास जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने बात घुमाना शुरू की, कहा कि देख सबका अलग अलग होता है, सबका सोचना अलग अलग होता है, और यहां तक उन्होंने कहा कि अगर मैं तेरे एक कान में सूरह फातिहा पढ़ूं और तू सूरह फातिहा चारों तरफ अलग अलग कानों में पढ़े, तो जो एंड में शख्स है वहां तक अगर सूरह फातिहा अगर पहुंचेगा तो कितनी मर्तबा चेंज होगा तू देखना। तो मैं उनको पूछा तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है, क्या कुरान चेंज हो रहा है, कि जो जो आयतें हम लोग जो दुआ में पढ़ते हैं, जो सूरह दुआ में पढ़ते हैं, क्या वो चेंज हो रही है हर मरतबा, ये क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपको उनको कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेहरबानी करो। और फिर उन्होंने मेरे साथ कभी बात करना कभी बात नहीं करी, तो उसके बाद से जान छूटी उनसे मेरी। लेकिन जब मैं घर में नमाज पढ़ता था मेरे वाइफ के साथ में, तो जब ये झगड़े होने से, यानी कि मेरे वाइफ के घर से घर निकलने से पहले हुई, जब वो घर से निकली, जब मैं उसके पीछे गया, अब यहां से घर से निकलना तो मुकम्मल बॉयकॉट था, यानी कि मेरे पास कुछ नहीं, ना पैसा ना घर ना कुछ। और माँ बाप ने बोल दिया था कि जब अगर तू उसके पीछे जा रहा है ना तो यहां मुड़कर वापस नहीं आना, यहां से अब तेरा कोई नाता नहीं है, कोई तेरा कोई संबंध नहीं है यहां से हमारे घर से, और हमारे से कोई उम्मीद भी मत रखना कि हम तुझे पैसे देंगे या कुछ घर देंगे या ऐसा कुछ करेंगे। बस माँ बाप ने हाथ उठा लिए, अब तू तेरा देख ले। क्यों? क्योंकि वो लड़की इस्माइली नहीं बन रही थी, उसका बच्चा इस्माइली नहीं बन रहा था, मेरा बच्चा यानी, इसीलिए ये टॉर्चर, ये झगड़ा, ये प्रॉब्लम्स, इसके वजह से ये सारी चीजें हुई। एक ही कारण था, इस्माइली नहीं बन रही है, बस। तो यहां से निकला घर से बाहर, मैं बोला अल्लाह बहुत बड़ा है, मेरे दिल में था अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह कुछ ना कुछ मेरे लिए इंतजाम जरूर किया है। जब मैं बिल्कुल नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरे वाइफ ने मुझे सब कुछ सिखाया है, और मेरे दोस्त भी मेरे साथ है, मुसलमान दोस्त, मैं उनसे जो है कुछ हेल्प मांगूंगा, कुछ उनको मेरी जो चीजें बताऊंगा, झगड़ा हुआ ऐसा हुआ है, तो मेरी बात को वो जरूर सुनेंगे, जरूर उस पर तसव्वुर करेंगे, कुछ ना कुछ ना रास्ता अल्लाह जरूर निकालेंगे। तब मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे, कॉलेज के फ्रेंड्स थे, मैंने उनको सारी चीजें बताई, ऐसे झगड़ा वगैरह हो गया, अब मैं मुसलमान बन गया हूँ और मैं नमाज पढ़ना शुरू की है, ऐसा वैसा मैंने कलमा पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, अब मुझे बताओ कि आगे का रास्ता कैसे मैं तय करूँ, क्योंकि मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास रहने को जगह नहीं है। हेलो नूरुल्लाह औकात भाई, नहीं थी कि मेरी मदद कर सके, मेरे आपकी दोस्त कॉल भी से लग गरीब किस्म के थे, तो उन्होंने मतलब कहा कि एक काम कर, तू तेरी वाइफ के साथ में उसके साथ में उसके घर में रहे कुछ वक्त तक, है ना, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। तो घर से निकलने के बाद एक छोटा सा झोपड़पट्टी बोलते हैं ना यहाँ पर, जैसे इंडिया में बोलते हैं झोपड़पट्टी, स्लम, स्लम एरिया है, उस स्लम एरिया में छोटे से घर में, उस घर की जो चौड़ाई होगी, इतना छोटा घर होगा, मतलब दो नीचे और ऊपर, नीचे मेरे सास ससुर रहते थे, ऊपर मैं और मेरी वाइफ, इतना छोटा घर था कि अब उसी घर में छोटा सा किचन, हाँ मतलब घर जैसे घर में घुसे ऐसा लगता कि घर कभी खत्म हो गया, इतना छोटा घर था उसी घर में, मतलब शुरू होते ही खत्म ऐसा घर, और मतलब पतरे का शेड हुआ करता था, और जब बारिश आती थी तो पूरा घर पानी से भर जाता था,
इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी। तो उस परेशानी में हम लोग मतलब रहे 8 9 महीना 10 महीना उसी माहौल में रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर सामने उस मोहल्ले में मस्जिद भी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में जाया करता, नमाज अदा करती थी, होती थी नमाज वगैरह। फिर मैं जुड़ता गया उनके साथ में, फिर सिलसिला आगे बढ़ता गया, फिर अल्लाह ने मुझे तरक्की दी, कामयाबी दी, अच्छा जॉब लगा अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी जो है अच्छा घर मिला, उसके बाद तरक्की अल्लाह ने खुद ब खुद दे दी मुझे। अल्लाह के पास दुआ करने की जरूरत भी नहीं, अल्लाह ने मेरे दिल को देखा, मेरी नीयत को देखा, मेरी सारी सारी तकलीफों को देखा, उसके बाद अल्लाह सुबहाना तआला ने मेरी निजात कर दी और मुझे तरक्की अता फरमाई, और आज तक जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। तो ये माशाल्लाह, मेरी छोटी सी रिवर्स स्टोरी है। और लास्ट में जो है, मैं मेरे इस्माइली जो भाई हमारे, जो उनको पता है कि वो क्या गलत कर रहे हैं, अगर उनको पता है, अगर वो खुद रिवर्ट हो चुके हैं और अभी भी इस्माइली कॉलोनी में रह रहे हैं, तो उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, और सारे रिवर्ट से मैं भी दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 208 में फरमाया है कि ए ईमान वालों, पूरे के पूरा ईमान में दाखिल हो जाओ और शैतान की ताबेदारी मत करो, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ जो अभी भी रिवर्ट हुए हैं और इस्माइली कॉलोनी में रह रहे हैं, तो उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह आपके साथ है। अगर आप इस्माइली कॉलोनी भी छोड़ेंगे अल्लाह के लिए, और अगर आप जमात खाने भी जा रहे हैं और मस्जिद में भी जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप शैतान की ताबेदारी कर रहे हैं। आपको पूरा का पूरा इस्लाम में दाखिल होना है, बस मेरी यही माशाल्लाह। मेरा पैगाम होगा उनके लिए। वैसे नूरुल्लाह भाई, मैं भी जब कल परसों दर्स सुन रही थी शेख सामिर का, तो वो भी यही कह रहे थे कि एक मुसलमान का काफिरों के बीच में रहना बिल्कुल भी अफजल नहीं है। अगर आप इस्माइली नहीं कॉलोनी में सालों साल रह रहे, आपके वालदेन रहते थे, जो भी है, अब आपने कलमा पढ़ लिया, अब आप सिर्फ इसलिए रह रहे हो कि मेरे वालिद का घर यहाँ पर है या मेरे यहाँ पे बहुत पुराने जानने वाले हैं, लेकिन ये मत करे। वो एक सूरा भी पढ़ के बताया था, अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं उनके जितना इल्म रखूँ, शेख सामिर जितना, तो वो कुरान की आयत से साबित कर रहे थे कि हिजरत अफजल है। छोड़ दो वो जगह जहां पर कसरत में काफिर हैं। तो जो जी मुसलमान बिल्कुल बाहर मुल्क में भी रहते हैं, तो वो ऐसी कॉलोनीज में, ऐसी सोसाइटीज में रहें जहां पर मुसलमान होते हैं। अगर काफिरों के बीच में रहेंगे तो बच्चे बाहर निकलेंगे, वो वैसा करने की कोशिश करेंगे या इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे। बच्चों को इस्लामिक स्कूल्स में डालें जहाँ पे ज्यादातर मुसलमान हो। बाहर मुल्क में भी स्कूल्स में लोग अंधाधुंध अंग्रेजों के पीछे अपने बच्चे भेज देते हैं, तो वो अंग्रेज के बच्चे जो हैं वो पहले ही अब क्रिश्चियनिटी को ही गालियां देते हैं, नाउज़ु बिल्लाह, जीसस पर मजाक बनाते हैं, अपने अपने ही खुदा पर मजाक बनाते हैं, तो वो आपके बच्चे को कहाँ मुसलमान होने देंगे। तो अगर अल्लाह अल्लाह से दुआ करें, इस्तेआत मांगे, हिम्मत करें और इस्माइली कॉलोनियों को छोड़ना शुरू कर दें, क्योंकि बाहर निकलते हैं तो ये मुखी कामड़िया, ये इस्माइली लोग पकड़ के, यार तुम आते नहीं जमात खाने, तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं आ रहे। तो वो अगर जैसे अभी एक हमारे भाई बता रहे थे, अभी वो मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी मौजूद है, कि उनकी वालदा ने उनको स्पेशली फोन किया कि बेटा जल्दी जल्दी आ जाओ, यहाँ पे मौला बापा की सालगिरह पे गरम गरम सूप मिल रहा है। तो वो बच्चे जो है उनके, तो वो उनको जाहिर सी बात है, बच्चे को क्या पता कि मैं किस जगह का सूप पीने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, तो जाना पड़ा या जान बच्चों को रोकना पड़ा या कुछ इस तरह का, तो बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। वो आपको हर तरीके से मतलब झांसा देने की कोशिश करते हैं। एक हमारी बहन है, वो तंजानिया में होती है, तो उसने मुझे मैसेज किया कि मैं कभी जमात खाने नहीं गई, लेकिन मेरी जो दोस्तें हैं जो हम लोग कॉलोनी में रहते हैं, वो मुझे कहती हैं यार एक दफा आ जाओ, एक दफा आ जाओ, और इतनी सैलरी, तुम दुआ नहीं पढ़ना, भले तुम कुछ मत करना, तुम बैठी रहना, लेकिन तुम आओ जरूर। ये शैतान के चोर दरवाजे होते हैं। एक दफा एंटर हो गए और मजा आ गया, नाच गाना होता है, औरतें होती हैं, मर्द होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, उन्होंने झूले तक लगाए हुए हैं बच्चों को यहाँ पे फंसाने के लिए, कि अगर माँ बाप कभी कहेंगे भी ना कि हमें नहीं जाना, तो बच्चे बोलेंगे कि वहां पे पार्क है, वहां पे झूला है, तो चलते हैं वहां पर। तो ये सारे शैतान के चोर दरवाजे हैं, इनसे अपने आप को, अपने बच्चों को बचाओ, वहां से निकलने की कोशिश करो। इस्माइली कॉलोनीज में इस्माइलियों को ही रहने दो, मुसलमान हो गए तो मुसलमानों के बीच में आ जाओ। बहुत सारे सवाल नूरुल्लाह भाई आपके लिए भी आ चुके हैं, पैनलिस्ट में भी बहुत सारे लोग हैं, पैनलिस्ट में जो लोग हैं जी वो
उनसे गुजारिश है कि आज हमारे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नुरुला भाई हैं, इनसे कोई सवाल करना है या इनके इनका जो एक्सपीरियंस रह चुका है उसके बारे में कोई सवाल करना है, तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल कीजिए। कुछ कमेंट्स में भी क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह उनको भी एड्रेस करते हैं। नूरुल्लाह भाई, रिसेंटली आपका यूट्यूब चैनल उड़ गया, इस्माइलियों ने रिपोर्ट कर दिया, वो भी जरा किस्सा अभी बाकी है आपका, कि जी अब जब आप मुसलमान हो गए तो आपने अब मौला बापा के पीछे दोबारा से पड़ गए, लेकिन दूसरे तरीके से। तो जी आपकी छोटी छोटी क्लिप्स आती थी और बहुत ज्यादा वायरल भी होती थी, आप उसमें छोटे छोटे मैसेजेस भी डालते थे, बहुत अच्छी आपकी ऑडियोज हुआ करती थी, वो क्लिपिंग्स कब आ रही हैं? जी अभी देखिए वो चैनल तो उड़ गया है, लेकिन वीडियोस अभी भी हैं मेरे पास। ये कैसा है कि कैसा होता है ना कि इस्माइलियों को जब उनका तरीका हम बेनकाब करते हैं ना पब्लिक के सामने, आम जो मुसलमान पब्लिक है, जब इनका तरीका, इनके जमात खान की एक्टिविटीज, इनके आगा खान की सारी फाहिशा चीजें और अय्याशी भरी चीजें जब बेनकाब होना शुरू होती हैं, तो यही इनके हथकंडे हैं। फिर रिपोर्ट करेंगे, इनका यही है, ये खुद कभी लाइफ आने आएंगे नहीं, बात करने हमारे से कभी बात करने नहीं आएंगे। आप भी गवाह हैं इस बात की कि कितने सारे मिशनरी आए और भाग गए। अव्वल तो आते नहीं, और अगर आ जाए तो भाग जाते। आ जाए तो भाग जाते, क्योंकि उनके पास सवाल का जवाब ही नहीं होता ना, क्योंकि उन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं है और नबी की सीरत, नबी की जिंदगी को पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे उनको पता चलेगा कि क्या क्या हकीकत है और क्या हकीकत नहीं है, क्या सच है क्या झूठ है। तो ये बस स्ट्राइक पे स्ट्राइक लगाएंगे, चैनल बंद कर देंगे, फेसबुक पेज रिपोर्ट कर देंगे, यही इनका काम है। और हमको चैनल बंद कर देंगे, दूसरा चैनल तो आ जाएगा ना भाई, एक चैनल बंद कर दिया तो दूसरा चैनल भी आ जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। नूरुल्लाह भाई, वीडियोस तो है मेरे पास। हाँ अंदाजन कितनी फेसबुक आईडीज आपकी कत्ल हो चुकी है इसी स्माइली आगा खानियों को दावत देने के चक्कर में, जरा अंदाजन मेरे हिसाब से 10-15 तो हो गई है भाई, बस 10-15 तो आईडी ब्लॉक हो गई मेरी पूरी, बहुत कम है डीएक्टिवेशन। मेरे एक ने भाई। तो रिपोर्ट किया था कि ये आदमी है ना, ये क्या बोलता है वो, टेररिस्ट नहीं, टेररिस्ट नहीं, हरासमेंट करता है और हमारे रिलीजियस बेसिस पे किसी ने स्ट्राइक मेरे फेसबुक पे रिपोर्ट की थी कि रिलीजियस बेसिस पर ये आदमी लोगों को भड़काता है। तो एक वो पेज उड़ गया, दूसरा पेज भी वैसे कुछ तो सीन में उड़ गया। ये टेररिस्ट नहीं बोलते हम लोगों को, ये क्या बोलते हैं कि हम लोग है ना ये जब, हाँ हरासमेंट करते। वैसे मेरी जो है वो मैंने 250 तक काउंट किया था अपनी फेसबुक आईडी का, उसके बाद मैंने काउंट करना बंद कर दिया, तो उसके बाद तो बहुत कुछ हो गया। यानी कि ये बात बिल्कुल सही है नूरुल्लाह भाई, कि हमारी आईडीज भी रिपोर्ट करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, मेरा तो दो उड़ चुके हैं, आपका पहला था, तो मैं तो सदमे से बाहर आ चुकी हूँ, और अब तो हम यही कहते हैं कि आईडीज भी बन जाएंगी तो यूट्यूब का चैनल भी बन जाएगा। आप इन चीजों से तो यही साबित होता है कि आप लोगों के पास जवाब नहीं सिवाय ये सब कुछ करने के। लेकिन ये जी काम आज नूरुल्लाह भाई आपके आज भी मुझे अल्फाज याद है कि बहन मैं मरते दम तक ये काम करता रहूंगा, मतलब बेशक अगर बेशक, मेरी आखिरी आप सांस हमको तक, आखिरी सांस तक मेरे सांस निकलने वाली होगी ना, अल्लाह पाक वो फरिश्ते को भेजेगा ना, मौत के फरिश्ते को, सांस निकलने वक्त, उस वक्त तक मैं दावत का काम करता रहूंगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र सेहत जिंदगी अता करे और इसी तरह आपसे आमीन दीन का आमीन काम सुम्मा आमीन। लेता रहे। सवाल है जो आपका सिलसिला स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 घंटा हो गया और अब पैनलिस्ट भी हमारे साथ है, पैनलिस्ट को तो मैं पहले ही इनवाइट कर चुकी हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नूरुल्लाह भाई से करना है तो अपना माइक अनम्यूट करके आप नूरुल्लाह भाई से बात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे मौजूद है, कोई भी जवाब दे सकता है, सारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक्स स्माइलीज हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि इस मैरिज कस्टम इन इस्माइली डिफरेंट देन निकाह इन मुस्लिम, कैन यू प्लीज एलैबोरेट। सिकंदर मिर्जा ने पूछा है कि क्या इस्माइली का निकाह का तरीका मुस्लिम तरीके से अलग है? नूरुल्लाह भाई जरा इसको जवाब दीजिए। जी सिकंदर भाई को मैं जवाब देना चाहूंगा कि बिल्कुल अलग है। इस्लामिक निकाह
बहुत ही हमारे जो निकाह है वो बिल्कुल इस्माइली तरीके, इस्माइली निकाह जो है वो इस्लामिक तरीके से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अपने निकाह के खुतबे के अंदर, जब हम खुतबा पढ़ते हैं उसके अंदर वो शाह करीम अल हुसैनी का नाम लेते हैं, और निकाह होने के बाद वो अपने इमाम से दुआ करते हैं कि ये दोनों की जोड़ी सलामत रख जिसका निकाह हुआ है, या अली या नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजर इमाम, इन दोनों की जोड़ी सलामत रख, इन दोनों की जोड़ी को असल में वासल कर, आखिरत में अच्छा मकाम अता कर, ये सारी चीजें दुआएं मांगते नूरुल्लाह हैं। भाई गुजराती तो में हो जाए बिल्कुल मजा इस्माइली नहीं का आ रहा, निकाह, नूरुल्लाह भाई गुजराती में हो जाए मजा नहीं आ रहा, गुजराती में बोलिए। गुजराती में तो थोड़ा भूल गया हूँ, माफ अच्छा कीजिएगा। अच्छा ठीक है ठीक है इंशाल्लाह। बिल्कुल डिफरेंट होता है, निकाह की किताब भी हमारे पास मौजूद है जो इस्माइलियों की होती है। अब बड़ी मजायका खेज बात है कि सारे इस्माइली निकाह के बाद दुआ करवाते हैं कि नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी इस जोड़ी को बरकत अता फरमाए और इसकी मन मुरादें पूरी करें। लेकिन मसला ये है कि नूर मौलाना की अपनी दो तलाकें हो चुकी हैं, उनके दो एक बेटे की तलाक हो चुकी है, उनकी बेटी की तलाक हो चुकी है। तो क्या इन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि जो अपने बच्चों की या अपनी शादियों में बरकत नहीं दे सकता उससे दुआ मांग कर क्या फायदा? अगर यही बरकत की दुआ, यही आफियत की दुआ, यही प्यार मोहब्बत की दुआ अल्लाह से मांगी जाती तो अल्लाह सुब्हान तआला अपने रहमो करम से, अपने फजल से उसको बरकत देंगे। लेकिन जो दिख रहा है कि जो इंसान खुद अपनी शादियों में बर्बाद हो गया, अपने बेटे की शादी की बर्बादी देखी, बेटी की देखी और अभी तक बेटी की शादी नहीं करवा सका, उसके साथ इस तरह की दुआ करना कुछ बेवकूफी नहीं लगती नूरुल्लाह भाई? जी जी बिल्कुल, ये इनारे के साथ में तलाक हो गया, फिर उसके बाद में वो सलीमा के साथ में तलाक हो गया, डाइवोर्स पे डाइवोर्स होते जा रहे हैं, अब ऐसे शख्स से दुआ मांगोगे तो कैसे बरकतें आता होंगी। बिल्कुल इसीलिए मैं सिकंदर भाई नेक्स्ट से कहना चाहूंगा कि जो जी नूरुल्लाह भाई बोलिए, इस जोड़े आवाज को कट, सलामती अता फरमा। बीच में आवाज सेट कट गई थी। ठीक हेलो अच्छा नूरुल्लाह भाई, सेकंड क्वेश्चन भी जी, आपके लिए है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली मेंबर्स? अब कैसे ताल्लुकात हैं आपके अपने पेरेंट्स के और फैमिली के साथ? अभी भी बायकॉट चल रहा है? हेलो नूरुल्लाह भाई, मेरी आवाज कट रही है कि नूरुल्लाह भाई की आवाज कट रही है? जरा ऑडियंस से मैं पूछ लेती हूँ, आप क्या रही आ रही है? मेरी आ रही है, नूरुल्लाह भाई की आवाज कट जाती है। ओके थैंक जी जी यू अब आ रही है सलमान आवाज। जी। जी अब आ रही है आपकी आवाज जी। व्हाट इज द रिलेशनशिप नाउ? व्हाट इज रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली मेंबर्स? एक्चुअली मैं मेरे अम्मी अब्बा को, यानी कि जो मेरे मम्मी मम्मी पापा अभी भी इस्माइली हैं, जो मेरा भाई अभी भी इस्माइली है, इस्माइली कॉलोनी में रहते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ, उनको मिलता हूँ, उनको जो चीजें लगती हैं फ्रूट्स वगैरह यहाँ से लेकर जाके उनको देता हूँ, उनकी मदद करता हूँ, उनकी बीमारियों में उनको मिलने जाता हूँ, अगर कुछ परेशानी है तो उनके पास जाता हूँ। हाँ, मेरा मिलना जुलना अभी भी मेरे माँ बाप के साथ में है, मेरे भाई के साथ में है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम में दाखिल होने के बाद मैंने मेरे माँ बाप को छोड़ दिया, वहां जाकर मैं थोड़ा बहुत उनको इस्लाम की दावत देता हूँ, थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो सकता है, जितना मुझे अल्लाह ने इल्म दिया है उस हिसाब से मैं थोड़ा बहुत उनको बताते रहता हूँ, कुछ ना कुछ जब मैं जाता हूँ, और वो भी मेरे घर पर आते हैं और मेरे साथ में, मेरे वाइफ के साथ में अच्छी से भाई बात होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को प्यार वगैरह करते हैं, बस इसलिए जी मैं सब सारे रिवर्ट से जो हुए हैं मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि अगर वो रिवर्ट हुए हैं तो बिल्कुल भी अपने माँ बाप को ना छोड़े, अगर वो अलग रह रहे हैं तो उनके माँ बाप के पास जाए, उनको मिले, अपने अगर भाई वगैरह है, बहन वगैरह है, जाए उनको मिले, उनको दावत दे, क्योंकि आखिरत में ऐसा ना हो कि अल्लाह हमें हमारा गिरेबान पकड़कर पूछे, ये लोग हमारा गिरेबान पकड़कर पूछेंगे कि तू तो मुसलमान बन गया था लेकिन हम तो कुफ्र और शिर्क की दलदल में फंसे हुए थे, तूने हमें दावत क्यों नहीं दी, हमारा गिरेबान आकर पकड़ेंगे। तो हमारा यह फर्ज बनता है कि हम जब रिवर्ट हुए हैं तो हमारा ये फर्ज है कि हम हमारे माँ बाप को, हमारे रिश्तेदारों को ये दावत
उनको भी दे, पैगाम अल्लाह का उन तक भी पहुंचे। ठीक, आपने कहा ना कि इमाम साहब की खुद की तलाकें हो गई हैं और उनकी बीवियां उनको छोड़ के चली जाती हैं, तो हमारी एक बहन है इस्माइली, कहती हैं नूर की शादी नहीं होती बेवकूफों, यानी कि वो जो तलाक हुई है वो तो जिस्म की हुई है, नूर की शादी नहीं होती है। कुछ समझ, मतलब ये कमेंट जो है ना, वो एक आम जो जहन होता है जिसमें अकल होती है, शऊर होता है, वो ये इसको हजम नहीं कर पाएगा। सलमान करीम भाई बहुत बैठे हैं यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम सलमान करीम भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलमान करीम भाई, ये पाकिस्तान और हुंजा के जो लोग होते हैं, जहां से आप भी, आपका भी ताल्लुक है, ये नूर से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ज्यादा नूर नूर करते रहते हैं। अब यहाँ पे नूर की शादी का भी ये कमेंट, आपको समझ आया कि जवाब दे पाएंगे इनको कि क्या कहना चाह रही है? नूर की शादी नहीं होती बेवकूफों, हाँ मैं कहती है ना ये हम हाँ, मतलब इमाम की जो शादी टूट गई तो वो तो नूर है, नूर की शादी थोड़ी होती, वो तो टूट टूट ही जानी थी। अब ये ज्यादा हम मैच हमने नहीं बहन, ये हमने इनसे पूछना है ना, क्यों की थी शादी पहले? तो अगर नूर थी, अगर नूर था ना, तो नूर की शादी क्यों की थी? नूर नूर ने शादी क्यों किया था? ये सवाल तो हमने इनसे पूछना है कि नहीं? बहुत बहुत जबरदस्त सवाल किया है आपने वैसे। वही ना, ये तो लेकिन इन लोगों बहन ने हमसे नहीं पूछना है। वो जो नूर ने शादी की, और नूर जी, नूरुल्ला भाई आपकी आवाज बहुत कट रही है। नूरुल्ला का आज कहानी हमने सुन के कसम से बहन हमने खुद रोया है, कसम से। हाय हाय, सुभान बहुत अल्लाह। दुख। हाँ सही बात कर रहा हूँ, जिस तरह उन्होंने रोना शुरू किया ना, मेरे साथ भी इस तरह, मेरे माँ बाप की तरफ से जो ना वो इस तरह मसले आए थे, लेकिन इसलिए मैं भी बहुत एक्साइट लेना हुआ था, मैं भी खुद एक्साइटेड नूरुल्लाह हुआ था। भाई की, क्योंकि एक आदमी रोता नहीं है लेकिन वो जब रोए ना तो समझ जाए कि उसको बहुत मोहब्बत है। तो बहुत जिस तरह मोहब्बत हमारे है भाई जो है ना वो, इस तरह। लेकिन इनकी जो इनकी जो बीवी थी ना, उन्होंने बहुत कुर्बानी दी। उसने वो आयत पढ़ी होगी ना कुरान पाक की, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, के ए ईमान वालों, अपने और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। बिल्कुल, तो यही तो बात है, तो अल्लाह करे सुभान, कि सबकी बीवियाँ ऐसी हो। और क्या कह सकते हैं, हम खुद जो है बिल्कुल, ना, मैं खुद रो रहा था कि इसकी जो है ना कहानी सुन के, बहुत दुख भरी कहानी थी, बहुत कसम से। कहानी क्या रियलिटी थी मेरे भाई। और माशाल्लाह खुद भी बचे, शोहर को भी बचाया। काफी सारे लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्वेश्चन भी आ चुके हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो था वो एक और मेरे पास इधर क्वेश्चन था। अच्छा, ये मिशनरी साहब ने, अच्छा नूरुल्लाह भाई आपका बहुत एक मशहूर डायलॉग है, मैं आज खुलासा करता चलूँ, ये खुलासा वाला क्या चक्कर है? नूर भाई आज आपने ही हाँ जी, खुलासा कर रहे हैं, खुलासे का क्या चक्कर है? बहुत मशहूर है आपका ये जुमला। ये जब मेरा चैनल हुआ करता था नूर अली सुरानी नाम से, तब मैं जब वीडियो बनाता था, तब मेरा स्टार्टिंग में ये जुमला, ये अल्फाज मैं यूज करता था कि मैं कैसे? हूँ नूर अली सुरानी, आज मैं सबसे बड़ा खुलासा करने वाला हूँ, इस तरह से ना। सुभान ये मैंने भी, ये नूरला भाई मैंने सब्सक्राइब भी किया था आपका चैनल, ये मैंने भी सुना हुआ था। जी, ये क्लासिक स्टाइल है भाई का, बहुत ही ये मैंने क्लासिक। सुना हुआ है, नूरानी सुरानी का नाम का चैनल था। हाँ बिल्कुल नूरुल्लाह जी भाई, जी अभी अभी आपने जो अपनी स्टोरी का खुलासा किया, जरा इसको जरा एडवर्टाइज कीजिए। जैसे अगर आज ये क्लिप बनती तो आज इसका स्टार्टिंग कैसी होती है आपकी क्लिप की? जरा, मैं हूं नूर अली सुनानी, चले सुने। मैं हूं नूर अली सुरानी, आज मैं आप सभी के सामने मेरी एक रिवर्स स्टोरी पेश करना चाहूंगा, और इसका खुलासा मैं कुछ ही देर में करने वाला हूं, तो गौर फरमाइए, मुलाजा फरमाइए। क्या बात है, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अगला आया क्वेश्चन नूरुल्लाह भाई के बाद। नूरुल्लाह भाई के लिए आयशा इकबाल पूछती है हमारी बहन कि नूरुल्लाह भाई, डू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड टू योर पेरेंट्स एंड ब्रदर, दे आर स्टिल आगा खानी? अभी भी आगा खानी, अभी हमारे भाई जवाब दे चुके, ये जी क्वेश्चन कवर हो गया। अच्छा, बैक स्टेज पे सामिया, माशाल्लाह जब इतनी बहन भाई रिवर्ट हो गए हो तो बाकियों को इतनी मुश्किल क्यों है? सामिया, आप अपना माइक कनेक्ट करके हमारी बहन बात कर सकती हैं। और एनके ने, एनके हमारा छोटा भाई,
रिसेंटली रिवर्ट हुए हैं और उन्होंने अपना माइक अनम्यूट किया था। क्या कुछ पूछना चाहेंगे एन के नूरुल्ला भाई से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपसे एक सवाल, मेरा आपसे एक सवाल है, दुआ जी। दुआ पढ़ते स्माइली पर, नहीं शादी कर रही हूँ तो दुआ पढ़ते हैं स्माइली। क्या उसका कुरान से ताल्लुक है, कुछ भी ताल्लुक है? बिल्कुल नहीं है भाई। उसमें है ना, दुआ के अंदर कुरान पाक की चंद आयतों को इस्तेमाल किया गया है और उसमें उसको फैब्रिकेट किया गया है, आधी अधूरी आयतें डाली गई हैं अपने हिसाब से, क्योंकि उनको उनके इमाम को प्रूफ करना है उस दुआ के जरिए से। जैसे अगर आप सूरे यासिन को ले लेंगे, सूरे यासिन आयत नंबर 12 को अगर ले लेंगे, उस दुआ के अंदर मौजूद है वकुल शैना अहसैना हुफी इमाम मुबीन। अब इनका तर्जुमा यह है कि सारी चीज़ें दुनिया की, सातों आसमान सातों ज़मीन सारी चीज़ें हमारे इमाम में समो दी गई हैं। अब इसका ये तर्जुमा नहीं है रियलिटी में, कुरान पाक में इसका इमाम मुबीन का जो तर्जुमा है वो आता है लोहे महफूज के हवाले से, यानी कि जो अल्लाह के यहाँ पर एक रजिस्टर है जहाँ पर इंसानों के नामे आमाल लिखे जाते हैं, तो वो कुरान मजीद का तर्जुमा है। ये अपने हिसाब से तर्जुमा बना लिया इन्होंने। और एक और सवाल है, जो पैसे हैं, हर मोड़ पे पैसे ले जाते हैं जमात खाने में, तो हर मजलिस में आपको हर नियाज जूरा तो जो भी आप बोलो हर जगह पैसे हैं, तो इमाम को कभी पेट भरा, इमाम को कभी पेट भरता है कि एक बंदे से इतने पैसे कर लो कि उसके घर में दंगे फसाद हो जाए, बेचारा वो गरीब हो गया है पर इमाम को नहीं, इमाम को देना नहीं छोड़ सकता? नहीं, इमाम का पेट कैसे भरेगा ना, इमाम का पेट कितना बड़ा हो गया देखा आपने, वो वो कैसे भरेगा भाई? ये ज्यादती है। हर चीज में पैसे, मजली, अरे भाई मैंने यहाँ तक देखा है बेचारा गरीब आदमी, उसको मजलिस में एंटर होना है, उसके पास पैसे नहीं है, तो सारे इस्माली जमा करके उसको दे सकते हैं ना पैसे के, जा तू मजलिस में एंटर हो जा। नहीं, नहीं देंगे उसको पैसे, उसको मजलिस में एंटर होने की इजाजत नहीं है। अगर एंटर हो गया मजलिस के अंदर बिना पैसे दिए, बाप रे, सारे लोग उसके तरफ देखेंगे, मुकी साहब देखेंगे, कामड़ा साहब देखेंगे, सारे लोग उसके तरफ देखेंगे, ऐसी निगाह से देखेंगे, उसको शर्मिंदगी महसूस होगी उस शख्स को, बेचारे को। ऐसे ऐसे मैंने चीजें देखी है वहां पर। सही नूरुल्लाह भाई, एक और क्वेश्चन आया है, डू इस्माइलीज गिव तलाक अकॉर्डिंग टू इस्लाम? इस्लाम के तरीके पे तलाक होती है या किस तरह सेपरेशन होती है, या सेपरेशन होती भी है या नहीं होती है, क्या तरीका है इसका? इस्लामिक तरीके से बिल्कुल इनका तलाक नहीं होता। ये जब ये अलग होते हैं तो इनके अंदर एलिमनी होती है, तो अगर मान लो कि शौहर अलग हो रहा है औरत से और तो उसको एलिमनी देनी, एलिमनी का पैसा देना पड़ता है उसको, कि यानी कि हाँ बस खत्म, अब एलिमनी ले लो, आपका काम खत्म हो गया, मैं मेरे रास्ते, तुम तुम्हारे रास्ते, इस्लामिक तरीके से बिल्कुल तलाक। अच्छा नूरुल्लाह भाई, इद्दत, इद्दत का कोई सिस्टम नहीं है ना इनमें? नहीं नहीं, इद्दत के दिन का कोई 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 वजूद नहीं है, कुछ नहीं है, बस तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। मतलब जिस दिन तलाक हो गई अगर उसी दिन लड़की शादी करना चाहे तो वो फौरन शादी कर लेगी, कोई इद्दत का टाइम मुकर्रर नहीं है? कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं, लड़का मिल गया फौरन दूसरी शादी, चलो फैक्ट्री चलो, दूसरी फैक्ट्री चलो, एक फैक्ट्री बंद दूसरी फैक्ट्री चलो। तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब अगर अल्लाह ना करे पहले हस्बैंड से ऑलरेडी औलाद पेट में हो तो वो तो लड़की को पता ही नहीं चला होगा, तो वो जब दूसरे शादी करेगी तो वो तो मतलब हो सकता है पहले वाले का ही बच्चा हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है वहां पे कि मतलब अगर उसका तलाक होने वाला है, जब उसका बच्चा उसके पेट के अंदर, उसको मालूम है कि मेरा बच्चे, मेरा अभी 2 महीने हुए हैं बच्चे को, उसको गिराने में कितना टाइम लगेगा? मुझे दूसरी शादी करनी है, मेरे पेट में 2 महीने का बच्चा है, जाओ गिरा के आओ, दूसरी शादी करो, गुना लो और गुना लो, शिर्क का गुना तो है, कुफर का गुना तो है, अब ये भी गुना लो अपने सर पे। शाम को आके वो खान साहब से माफी मांगो,
माफ करेगा छांटा मार के। क्या वो बात। भी कर लो। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से, ये नूर हराम काम कर सकता है तब नूर कहाँ जाता है। कमर समत भाई आज रिबोट बन गए, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका इंटरनेट क्यों रोबोटिक हो गया है? आ गया नहीं एक बात बता दूं, कमर भाई, मैं कह रहा था आवाज कि करीम आगा खान साहब जब, हेलो आवाज आ रही है मेरी? आप बेहतर हो गए। जी, हाँ, बोलिए। जब करीम आगा खान साहब कंसीव हुए थे इनकी माँ को, तो जो अली सलमान खान थे तो वो तो होटल रिट्स में एक एक हफ्ता उनके साथ थे ना, तो पता नहीं आगा खान साहब अली सलमान के बेटे थे कि पिछले मियाँ के बेटे थे, ये भी तो नहीं पता ना। अगर इद्दत की आप बात कर रहे हैं तो वो तो पता ही नहीं है कि वो पिछले मियाँ के बेटे थे कि अली सलमान के बेटे थे, क्योंकि उनके मियाँ ने तो यही कहा था ना कि मैंने तो होटल रिट्स में इनको एक हफ्ता। कमर समत भाई आपकी आवाज कट रही है। टॉपिक बड़ा मजे का है, बस आप अपना इंटरनेट ठीक कर लें। इससे पूरे पूरा एक लाइव स्ट्रीम मैं कर चुकी हूँ इसी टॉपिक पे, और कमर समत भाई ने बड़े सही टाइम पे ये टॉपिक निकाला है। अल्लाह कर इनका इंटरनेट ठीक हो जाए। यही जो वाक्य बता रहे कमर समत भाई, थोड़ी आवाज उनकी कट रही थी, वो यही बता रहे थे कि अली सलमान खान की माँ पर जब केस हुआ था तो उनके जो हस्बैंड थे, असल में जो हस्बैंड थे थॉमस लॉयल बुलर, उसने यही तो केस दायर किया था कि मेरी जो बीवी है वो 7 दिन अली सलमान खान के साथ होटल रिज में रही। शायद 19 से 23 तक की कुछ है, या 19 से 27 तक की कुछ डेट्स उसने दी हैं, और कोर्ट में वो प्रूव भी हुआ था। अब उस दौरान जो है वो जो आ गए थे करीम आगा खान, दुनिया में आने वाले थे, तो अब वो डीएनए तो करवाते नहीं है आगा खान के, पता चले कि वो थॉमस लॉयल बुलर के बच्चे हैं या अली सलमान के हैं। तो एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है जो मेरे ख्याल से कभी भी आगा खान मानेंगे नहीं डीएनए करवाने के लिए। कमर समत भाई का माइक म्यूट है। अच्छा, पैनलिस्ट में हमारे पास सामिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सामिया। हेलो सामिया, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो 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 सामिया, सामिया आपका माइक म्यूट नहीं है लेकिन आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। मेरा इंटरनेट तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा। एक्सप्रेशनरी अबॉर्शन इज वेरी इजी टू स्माइली वुमेन। नहीं सामिया, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, सॉरी। आपका माइक म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि आप बाद में। सेकेंड, ओके। सो सामिया छांटे वाली सरकार, ठीक है। तो नूरुल्ला भाई, अब माशाल्लाह आपकी स्टोरी तो बहुत इंस्पायरिंग रही और समझ में भी आया, लेकिन जो लड़के, मतलब आजकल तो मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं कि काफी सारी लड़कियां आ रही हैं कि हमारा जो बॉयफ्रेंड है या जिससे हमारी शादी होने वाली है या जिसको मैं पसंद करती हूँ, वो तो मुझे यही कहता है कि तुम अपना करना, मैं अपना करूंगा, मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा कि तुम मुसलमान मजहब छोड़ दो, बस तुम कभी कभी जमात खाने में मेरे माँ बाप के साथ चली जाना। ऐसे लोगों को क्या एडवाइस करेंगे आप नूरुल्ला भाई? ऐसे लोगों को मैं एक ही एडवाइस करूंगा कि आप ये मुसलमान की बात करिए, लड़की या लड़के की, या जो इस्माइली मजहब में शादी मेरे कर पास रहे हैं जो या। मोस्टली मोस्टली जो केसेस आ रहे हैं ना, वो लड़कियों के आ रहे हैं। मतलब आपको पता है मेरा नंबर तो वायरल हुआ हुआ है, तो जो लड़की आगा खानी को पसंद करने लगती है वो मेरे पास आती है कि अलीना, मैंने आपका प्रोग्राम देखा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इतने सालों से इसको जानती हूँ, अब मैंने जब उससे आपके बारे में पूछा कि ये इस तरह की बातें करती है, तो वो ये कहता है कि मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, लेकिन अब जब आपकी हमने प्रोग्राम देखे कि इनकी नमाज कुछ और है, इनका रोजा कुछ और है, तो कन्फ्रंट करने पे अब वो ये कहता है कि हाँ हमारा तरीका तो ये है, पर तुम अपने तरीके से करना, मैं अपने तरीके से करूंगी। तो अब इन दोनों को हिदायत कर दें, यानी कि पहले तो उस लड़की के लिए आप क्या कहेंगे जो किसी के मोहब्बत में अब उसको छोड़ भी नहीं पा रही और उसको समझा रही है मुसलमान होने के लिए, वो मान नहीं रहा। ऐसी बहन को आप क्या नसीहत करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले उस बहन को मैं नसीहत ये करना चाहूंगा कि अगर वो मुस्लिम है तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि वो कुरान मजीद को पढ़े। कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या फरमाया, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले सूरह बकरा की आयत नंबर 208 पढ़ी, कि उसमें अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि तुम शैतान की ताबेदारी मत करो, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है।
और इस्लाम में पूरा का पूरा दाखिल हो जाओ, आधा अधूरा नहीं चलेगा। तो मैं बहन से वही कहना चाहूंगा कि वो जो है अपनी नमाज को ना छोड़े, अपना जो अकीदा है, जो मुस्लिम है, वो जो इन्होंने कलिमा पढ़ा है, कलमे का सौदा ना करे, अपनी नमाज पढ़ें। और उनके जमात खाने में अगर वो आपको कहे कि मेरे जमात खाने भी कभी कभार चली जाना मेरे माँ बाप के साथ में, बिल्कुल भी नहीं जाना, ये आपके ईमान ईमान का सौदा होगा। अगर आप चली गई तो आप कुफ्र और शिर्क करने वालों के साथ अल्लाह आपका शुमार करेंगे आखिरत में, अगर आप वहां पर चली गई तो बस मैं उन लड़कियों से ये कहना चाहूंगा, लड़कों से भी सेम यही बात कहना चाहूंगा कि बस अगर वो मुसलमान हैं तो वो कुरान पाक पढ़ें, और कुरान पाक में जो है अगर अरबी नहीं आती है उनको तो तर्जुमा कम से कम पढ़ लें, तो उनको इंशाअल्लाह ताला कुरान हिदायत का नूर है, अल्लाह ने उसमें हिदायत रखी हुई है, तो उनको इंशाअल्लाह हिदायत मिल जाएगी। ठीक है। एनके नूरुल्ला में भाई, अपना, नूरुल्ला हाँ भाई, एनके एनके से भी मैं सवाल करने वाली थी। हाँ नूरुल्ला भाई से पहले सवाल कर लो आप। एक सवाल है, तो कुरान का तर्जुमा आप जो बोल रहे हैं, कुरान नहीं आता, तर्जुमा पढ़ ले आप इसकी जगह पे। तर्जुमे ही बहुत किस्म के हैं, मतलब 7-8 किस्म के तर्जुमे, मतलब लोगों ने किए, मतलब 7-8 लोगों ने किए, तो किसका तर्जुमा ऑथेंटिक है या क्या, इसमें आप क्या बोलेंगे? इसका जवाब मैं दूंगा। देखिए अच्छा हाँ तफसीर, नूरुल्ला भाई आप बोलो। जी, इसका सवाल जवाब बहुत शॉर्ट सा है कि तर्जुमा कोई भी उठा के देख लो। जैसे अगर हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पोटैटो, ठीक है, कुछ कंट्रीज में जाओ तो वो बन जाता है आयरिश, ठीक है, लेकिन वो चीज़ तो वही रहती है। इसी तरह लफ्ज़ों का वोकैबलरी का चेंज होता है, कहीं पे इतनी आसान इस्तेमाल की जाती है उर्दू या इतनी आसान इंग्लिश इस्तेमाल की जाती है कि उसका जो वर्ड का चुनाव है लेकिन उसकी कभी भी मीनिंग नहीं चेंज होती। उसका साइनोनिम जिसे कहते हैं ना कि एक एक ही मायने वाले अल्फाज वो होते हैं। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि एक तर्जुमे में अगर लिखा है कि नमाज पढ़ो तो दूसरे तर्जुमे में कभी नहीं लिखा होगा कि नमाज तुम छोड़ भी सकते हो। तो कभी भी जो कमांडमेंट है ना वो किसी भी तर्जुमे में किसी भी जगह पर चेंज नहीं हुई है। लेकिन आपकी आसानी के लिए आपके एरिया आपके अपने जबान के लोग, जैसे सिंधी में तर्जुमा अगर करेंगे तो उसमें जो लफ्ज है वो जब उर्दू में ट्रांसलेशन करोगे तो उर्दू में आपको बहुत सारी लुगत मिलेगी, बहुत सारी ग्रामर के अल्फाज हैं। तो मेन जो जो कमांडमेंट है ना वो किसी भी तर्जुमे में नहीं है और तफसीर में भी नहीं है। ये लोगों ने जो इस्माइली हैं इन्होंने फैलाया हुआ है। ये कुरान के भी तो इतनी सारी किरात के तरीके हैं, किरात अलग अलग तरीके से होती है, किरात के भी बहुत तरीके हैं, तर्जुमे भी अलग अलग है। तर्जुमों से कमांडमेंट चेंज नहीं हुई है, मैसेज चेंज नहीं हुआ, मीनिंग चेंज नहीं हुआ, किसी में भी हाँ का ना ना का हाँ नहीं हुआ है। तो अगर मैं तुम्हें जवाब दे चुकी हूँ इनके तो मुझे बता दो वरना मजीद एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं। अच्छा समझ, क्लियर हुआ बेटा? आपका सवाल था, आपका सवाल था, हाँ पूछिए। मैं सवाल आपसे करने लगी हूँ, ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि फॉर एग्जाम्पल, वैसे मुझे नहीं पता आपका, आपकी कोई मंगेतर इस्माइली में अभी मौजूद हो और आपने अभी रिसेंटली कलमा पढ़ा है, अपने मंगेतर छोड़ दोगे या क्या इरादा है कि शादी कर लोगे? चुप हो नहीं, सोच रहे गए हैं, सोच रहा हूँ। अभी तक तो खैर किसी से प्यार भी नहीं हुआ और उम्मीद है ना हो, अरे ये तुम तो बहुत ही बड़े शादी करेंगे देवदास, बहुत ही देवदास निकले तुम तो। हाँ तो शादी करेंगे मतलब। ये तो है लेकिन अच्छी बात है और यही हुक्म है और जाहिर सी बात है। लेकिन कई कई सारे ऐसे भी केसेस आए मेरे पास कि जिसमें लड़का ऑलरेडी इंगेज है या अपनी कजन को पसंद कर रहा है, वो इस्माइली है, अब वो मुसलमान हो चुका है, अब उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसके इसको बताऊं ना बताऊं, अगर बताऊंगा तो मंगनी टूट जाएगी। बहुत ही सारे केसेस आ रहे हैं आजकल इस तरह। मैं इस तरह के क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ कि अगर किसी का कोई सिचुएशन से गुजर रहा है तो हो सकता है कि उसके पास कोई जवाब हो। मेरा तो ये है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हुआ तो हमें तो ये हमारा टेस्ट है। अब हम लोग उस सहाबा के दौर में तो है नहीं कि जहाँ पे नाउजु बिल्ला उन हम हमारी इतनी ताकत भी नहीं है कि हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह के ऊपर जिस तरह बड़े पत्थर रखे जाते थे और फिर भी वो अहद अहद करते थे। अब इस तरह की हमारे ऊपर तो सख्ती नहीं आ सकती है, इस तरह का दौर भी नहीं है। हमारे यही टेस्ट है, ये
हम उनके जो सहाबा कराम के जो टेस्ट थे वो उस जमाने के हिसाब से उनके ईमान के हिसाब से थे, हमारे यही टेस्ट हैं कि अब शोहर जो है वो इस्माइली है, तुम मुसलमान हो गई, अब तुम अल्लाह को चुनती हो, दुनिया में तुम्हें हो सकता है तुम्हारे माँ बाप तुम्हें, बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ कि जो नए नए रिवर्ट्स हो रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें घर से निकाल सकते हैं, तुम्हारी पढ़ाइयाँ तुमसे छीन सकते हैं, तुम्हारे खर्चे पानी अपने पास खींच सकते हैं, क्या तुम कुर्बानी देने के काबिल हो इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ अल्लाह के लिए? सवाल, ये सवाल अभी मैं कर रही हूँ, अपने आप से सवाल करें कि क्या ईमान अब इतना मजबूत हो चुका है? क्योंकि अभी रिसेंटली एक और न्यूज़ आई कि एक बच्चा है उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, माँ बाप घर से भी निकालने की बात कर रहे हैं, क्या क्या कैफियत होती है उनकी कि वो अल्लाह के लिए घर वाले छोड़ सकता है? क्या इतना ईमान मजबूत हो चुका है, क्या अभी भी हम लोग उस लेवल पर नहीं पहुंचे? एनके ने अपना माइक अनम्यूट किया है, मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहूंगी। ये जो आप बोली ना माँ बाप छोड़ देते, ये बाहर मुल्कों में होता है, पाकिस्तान में तो नहीं होता, निकाल देते हैं घर से बाहर। यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में कॉमेंट में एक भाई बैठा हुआ है, एक्स मिशनरी, इनके माँ बाप ने नहीं निकाल, नूरला भाई के माँ बाप ने उनको घर से निकाल दिया, तो आती है तकलीफें तो आती हैं। नूरला भाई क्या कहते हैं? बहुत तकलीफ आई भाई मुझे, पर अल्लाह का शुक्र है ईमान में आने के बाद जो है अल्लाह ने मदद फरमाई और मेरा सिलसिला जो है नहीं रुका, चलता गया इंशाल्लाह। ठीक है, हमारी बहन ने एक सवाल किया है, मेरी दो फ्रेंड्स हैं, मैं कैसे उनको नसीहत करूं कि वो सही रास्ते पे आ जाएं? आपकी जो दो फ्रेंड्स हैं वो इस्माइली आगा खानी है, और नसीहत का तरीका सबसे बेहतरीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद के तरीका है कि पहले उनके बीच और अपने बीच जो है वो जो चीज़ें कॉमन हैं उन पर बात करो कि तुम भी अल्लाह को मानती हो, मैं भी अल्लाह को मानती हूँ, तुम भी नबी को मानती हो, आपस में कॉमन टर्म्स तलाश करो, और उसके बाद आ जाओ उनको आहिस्ता आहिस्ता तौहीद की बात करो, तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, डायरेक्ट उनको मत बोलो कि आप लोग ये करते हो, इस तरह करके स्लोली स्लोली वो बात समझती जाए, तो फिर ज़रा ज़रा सा उनको स्टार्ट करते जाए कि भाई तुम्हारी जो नमाज है, तुम्हारी जो दुआ है वो कैसे पढ़ती हो, तो वो अगर बताती है आपको तो सही है, नहीं बताती है तो आप उसको बताओ कि सही तरीका क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह। और ज़्यादातर इस्माइली आगा खानी, जो मेरा अपना तज़िया है कि मौला अली की बात जो आप करेंगे, उनके जो हवाले देंगे उससे वो ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, अहले बैत के वाक़ियात हैं उनको बताइए उससे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, तो अहले बैत का तरीका बताइए, मौला अली की ज़िंदगी बताइए, बीबी फातिमा तो जहरा की ज़िंदगी उनको बताइए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ेकार था नमाज का, रोज़े का, उनके जो हालात होते थे कि वो किस तरह का रोज़ा रखते थे कि अगर इफ्तार के टाइम खजूर नहीं मिलती थी तो अगले रोज़े की नियत भी कर लेते थे लेकिन रोज़ा नहीं छोड़ते थे, तो बहुत सारी चीज़ों में इस तरह बात करें। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें उनको जब एक पॉइंट आता है हमें उनको हार्ड फैक्ट्स दिखाने पड़ते हैं, जो तकलीफ़ दे तो होते हैं उनके लिए लेकिन कई दफ़ा दिमाग को जैसे कहते हैं ना कि मुक्का मारने के लिए काफ़ी होता है, मैं भी उस पॉइंट पे थी कि जब मुझे एक किसी ने रियलिटी दिखाई, बहुत तकलीफ हुई, गुस्सा भी आया, लेकिन वो ही पॉइंट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था जहाँ पर मैंने ये सोचना शुरू किया कि अगर मेरा इमाम ऐसा है, इमाम की बेटियाँ ऐसी हैं, तो फिर हम किसको फॉलो कर रहे हैं? तो मुझे तो एक सही दार जैसा कहते हैं ना घूसा, उसने ही मुझे होश दिलाया था, बाकी लोगों का अलग तरीका होता है, उनको आप प्यार मोहब्बत से भी समझा सकते हैं, वो समझेंगे, तो इंशाल्लाह उनको आप हमारी वीडियोस हो गई जो अच्छी, मतलब जिसमें हमने इमामत या नमाज या रोज़े पे बात की, आप वो उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जी सामिया, यू वांट टू से समथिंग? अस्सलाम वालेकुम सामिया, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, रोबोटिक हो रही है। ठीक, मेरे ख्याल सामिया की आवाज़ बहुत कट रही है, सामिया आप किसी बेटर कनेक्शन। जी जी बोलिए नूरुल्लाह भाई, ये आप में से कोई भी जवाब दे, कोई मसला नहीं, ये जो होता है जमात खाने में मजलिसों में अव्वल सुफरा, अव्वल सुफरा ही बोलते हैं ना, अव्वल सुफरा जो होता है, और एक जो अव्वल सुफरे में, अव्वल सुफरा क्या होता है थोड़ा, थैंक यू, और मेहमानी जो जमात, और जो मेहमानी होती है जैसे नांदी होती है, जैसे एक ना एक बार हुआ उसको ऑक्शन, एक बार ऑक्शन हो गया पर उसको वो बोलते हैं अगली बार करते हैं, दो बार और होता है, तीन बार होता है, तो उसको वो क्या है, मतलब वो क्यों होता है, उसी को घुमाते रहते हैं।
मेहमानी तो आपको पता है, वो मेहमानी कहते हैं हम इमाम का जो है ना वो खाना लेके जा रहे हैं। अब एक दफा वो बनाकर लेके गए इमाम की मेहमानी, और उनके दिल में जो मुरीद होता है उसके दिल में यही होता है कि हम इमाम का खाना लेके जा रहे हैं और इमाम की हम मेहमानी कर रहे हैं, यानी कि जिसको दावत कहते हैं कि दावत कर रहे हैं। अब वो पैसे उस पर बोली लगती है कि इमाम की जो प्लेट हम बनाकर लाए हैं इस पर बोलियां लगती हैं। खरीदने वाला वो जो खाना होता है, वो मेहमानी होती है, वो खरीद लेता है। अब वो मेहमानी, वही बंदा जिसने खरीदी, वो उसको दोबारा से ही बेचने के लिए दे सकता है, दोबारा उस पर ऑक्शन कर सकता है, फिर दोबारा उस पर बोली लगती है। तो इसी तरह एक ही मेहमानी रिवॉल्व होती है बार बार, जब तक वो उनका दिल करे। आखिरी बंदा जब कहेगा कि नहीं, अब मैं इसको मेहमानी के लिए नहीं दे सकता, तो फिर उसके बाद जो है वो उसको बंद कर दिया जाता है। ये तो मेहमानी जो होती है वो इमाम की दावत का नाम है कि इमाम के लिए अपने खाने में से लेके जाते। पहली प्लेट जो होती है ना, जब इस्माइली औरत खाना बनाती है तो सबसे पहली प्लेट जो है वो इमाम की मेहमानी की निकलती है, फिर बाकी लोगों के लिए रखा जाता है देगची में। तो वो पहली प्लेट बना के वो जमात खाने लेके आते हैं, उस पर बोली लगती है, पैसे लगते हैं और बिकी जाती है। और अव्वल सुफरों भी इसी तरह जो है वो जमात खाने में वो छोटे छोटे पैकेट्स बने हुए होते हैं, उसमें स्वीट्स होती हैं या चॉकलेट्स होते हैं, कई दफ़ा वो मखाने होते हैं वाइट वाइट से। तो जिस तरह प्रसाद मिलता है मंदिरों में, ये अव्वल सुफरों इसी तरह का प्रसाद टाइप की चीज़ होती है। बेटर कोई और एक्सप्लेन कर सके तो कमर समद भाई भी मौजूद है, नूरुल्लाह सलमान करीम भाई, आपके यहाँ अव्वल सुफरों होता है हुंजा में? ये चीजें मैं पहले जो ना मैं अभी जब मिल रही ये चीजें सुनने को, ये जो अवेल सुफरा, और ये नहीं, हमारे उधर और सिस्टम है, मैं आपको आप बता उंजा के चुका ना, हूँ। वो मैं नहीं, चित्राल के। हाँ, चित्राल के, हाँ वहां का चित्राल तरीका के तो अलग। हमारे। हाँ, हमारे उधर आप जो मेहमानी मेहमानी जो कहती है ना, वो अलग है। उसमें आपको अच्छा पता है, हाँ, दुकान से भी कोई चीज लाते हैं, किसी घर से कोई, किसी ने सेब की बोरी लाई, सेब लाते हैं, सेब, तो ऐसी ऐसी चीजें लाते हैं, वो जमात खाने के अंदर लाते हैं। लाके एक बंदा बोली लगती है ना, वो एक कहता है 10 का, एक कहता है खाना बदाम 20 का है, तो तीसरा कहता है खाना बदाम 40 का है, एक उसके बाद चौथा आदमी कहता है 50 का। इस तरह हो गया ना, वो 500 का बिक जाता है। नूरला जब भाई बिक नांदी हो जाए, नूरला भाई बड़ी मजे की नांदी करते हैं। नूरला भाई क्या अब नांदी में क्या नांदी? होता है ना, हाँ हाँ बोलिए नांदी में बोलिए। क्या होता है ना कि ऐसे जमात खाने के बीचों बीच एक लंबा सा एक टेबल होता है, छोटा सा टेबल होता है ना, जिससे तो ऐसे लंबा सा टेबल लगा देते हैं, और उसमें बहुत सारी डिशेस होती है, बिरयानी होती है, गोश्त का शिरवा होता है, फिर स्वीट्स होती हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ऐसा लंबा एक चीजें एक फैलाई जाती है। और जब मजलिस होती है तो मजलिस के जैसी खत्म हो गई, खत्म होने के बाद नांदी की क्रिया शुरू होती है। अब जैसी मजलिस खत्म हो गई तो सारे जो है जमात है ना, ऐसा उस पार्ट को घेरते हुए सब बैठ जाएंगे, और उसमें से तीन वॉलंटियर्स खड़े होंगे, एक सामने खड़ा होगा लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, और एक बीच में। और फॉर एग्जाम्पल उसने बिरयानी का जो है एक प्लेट हाथ में ली है, अब वो सोचेगा वजन के हिसाब से कितनी है। अभी सपोज 1 किलो उसके हाथ में बिरयानी है, तो वो सोचेगा कि ये 1 किलो बिरयानी कितनी की हो सकती है, तो वो सोचेगा और फिर बोलेगा आ बिरयानी छे 150 रुपया, आ बिरयानी छे 150 रुपया। फिर वो जमात में से एक हाथ उठाएगा 200 रुपया, दूसरा हाथ उठाएगा 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया, रील के सात सौ लिए ही हो रुपया रहा है ये। हाँ फिर जैसे ही कोई एक का हाथ ऊपर रहेगा ना, वो नांदी उसकी हो जाएगी 600 रुपया खाटो खाना बदाम। जी अच्छा, एक एक बात है कि जब हम कबूल छोटे थे तो पॉपुलेशन कम थी, तो भाई। अभी तो पॉपुलेशन काफी बढ़ गई है, तो बोलियां भी बड़ी बड़ी लगती होंगी, मतलब चार बोटी भी होती होगी तो ज्यादा महंगा बिकता होगा। पॉपुलेशन बढ़ गई ना, तो अभी बोलियां भी बड़ी बड़ी लगती होंगी। हम तो जाते नहीं है, पहले तो मिल जाती थी, अभी तो मुश्किल से मिलती होगी। तो मतलब कि मैक्सिमम अगर आपने कोई कमर समझ भाई कोई बोली सुनी होगी तो हाँ, सबसे बड़ी बोली आपने कितनी कितनी मैं तो सुनी बड़ी खुशी खुशी लास्ट लेता था। 13 दिसंबर में इतने केक्स आते थे, तो वो केकों की तो मैं पूरी 4-5 केक घर ले जाता था, मम्मी बड़ी खुश होती थी। तो उस वक्त तो अभी तो एक फ्लोर जमा थाने का भरता था, अभी तो थी पॉपुलेशन बढ़ गई, 4 फ्लोर भर गए हैं। अच्छा तो ले जा, अभी तो मुझे ऐसा लगता है अभी तो सब बच्चे होंगे, तो जाहिर सी बात है लोग बढ़ गए तो अभी तो हर कोई बोली लगाता होगा ना।
तो उस टाइम में तो मिल जाते थे, लेकिन जितने लोग होते केक भी बढ़ जाते होंगे, अब पता ही नहीं लोग जमा तो होते रहोगे, लेकिन ये कि कमर समद भाई, एक फिर बात आपको बाद में, पता, बाद में जब अल्लाह ताला का ख्याल आया कि यार खिला तो अल्लाह ताला है, तो बोला नहीं भाई, मम्मी को बोला भाई अल्लाह खिलाता है, ये गलत काम है, अल्लाह खिला देगा इससे अच्छा केक, तो ये नांदी वांदी छोड़ दो। फिर जब हिदायत आई तो फिर छोड़ दी थी। हाँ भैया, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ नो, ये मैं जो समझ गई नांदी के पैसे जो आते हैं भाई ना, आपकी। ये नांदी के जो पैसे आते हैं, ये मुझे कंफर्म नहीं है। ये जो नांदी के जो पैसे आते हैं, 10 रुपए की चीज को जो 100 में बेचते हैं, 200 में बेचते हैं, तो ये पैसे कहाँ जाते हैं? ये भी इनके इमाम को जाते हैं? नहीं, इतना महंगा तो नहीं बिकता होगा, बेवकूफ थोड़ी है जो 70 रुपए की स्लाइस जो होगी वो 200 रुपए में लेंगे। स्माइलियों को भी रेट पता होते हैं, ऐसा नहीं नहीं, होता कि हमारे महंगी हमारे बिकती है। वहां क्या होता है, नहीं हमारा हाँ अलग होता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ हाँ अच्छा, नहीं हमारा थोड़ा आइडिया सा ना। होता है सबको। अब जैसा मैं भी नांदिया लेता था तो आइडिया हो जाता था कि यार इतना साल में इतने का होना चाहिए। लेते लेते मेरे को तो सबसे पसंद नांदी थी, जब भी मैं जमा खाने जाता था कमर तो नांदी में अच्छा इंटरेस्ट होता था, अच्छे घर पे समझ अच्छे अच्छे भाई, खाने होते। नांदी मिस कर रहे हैं आप आजकल लगता है। हाँ नहीं, अल्लाह उसे अच्छा खिला रहा है, जो अल्लाह खिलाता है ये क्या खिलाएंगे माशा है अल्लाह ना। माशा अल्लाह। जी सलमान करीम भाई, आप कुछ कह रहे थे, क्या होता है आपकी तरफ? मैं तो ये आपको समझाने लगा था लेकिन आप नहीं समझते हैं। हमारे उधर ना अलग होता है इसका, जो अभी कमर समद भाई कह रहे थे कि नहीं वो सस्ते में आता है, हमारे उधर बहुत महंगा है कसम से। वो इसलिए महंगा करते हैं ना कि जो ज्यादा रेट पे लेगा उसको नेकियां ज्यादा मिलेंगी, हाँ सही उसका कह रहे असल हैं। मकसद ये अरे होता अभी है पॉपुलेशन अभी। भी तो बढ़ गई है। हाँ ना, 10 रुपए की अभी चीज लाते हैं ना, मिसाल के तौर पर कोई केक लाता है, कोई इस तरह की चीजें लाते हैं, वो अभी होता है 50 रुपए का या 100 रुपए का, उसको एक बंदा लगाता है खाना वदान 150 रुपया, तो दूसरा बंदा खड़ा होकर कहता है खाना वदान 200 रुपये, तो तीसरा बंदा खड़ा होकर कहता है खाना वदान 250 रुपये, इस तरह वो 400 तक जाता है। तो फिर वो आखिर में जो थक जाता है ना बंदा, जिसके पास उस वो लेने का वसाइल होता है तो वो ले सकता है, बाकी जो पैसे होते हैं उस पैसे की आपसे बात करो कि वो कहाँ जाता है। फिर वो जो पैसे देते हैं ना, तो वो जो उसका हाँ तो वो पैसे तो ये मुखी सब होता है जमा वो। होते हैं ना, पैसे सारे जमा होते हैं, पार्ट के अलग होते हैं, ये अलग होते हैं, तो वो सब जमा हो के ये लोग सब जमा करके फिर पैसे आगे ही देते हैं ना, खुद तो नहीं रखते ये लोग, आगे ही देते होंगे, सब सेंट्रलाइज जमा होते होंगे, फिर आगे जाते होंगे इनके कहीं ना कहीं। यही बात है, अकाउंट बिल्डर तो ये देते नहीं पूछ। है ना ये लोग। हाँ जमा करते हैं पैसे। अच्छा एक और बहन, आपको शायद पता होगी ये बात कि हमारे इधर मेहमानी का जो सिस्टम है ना, मेहमानी का, ताकि पता चले ना, मेहमानी खुशखुशी मेहमानी ये कहते हैं, जो 52 रुपए देते हैं, 52, 52, हाँ वो हाँ मेरे ख्याल से ना बाबा, हर जुमे को मेरे ख्याल से कोई खुशखुशी मेहमानी देते हैं, हमारे उधर चलता है, शायद आपके पास भी शायद ऐसा कुछ, हमारे 51 रुपए होते हैं, 51, 51, 51, वो 52 51, देते हैं, वो उसको कहते हैं हमारे खुशखुशी 51, मेहमानी। 51 रुपए होते ये हैं, 51, खुशखुशी क्या होता है? बस खुशखुशी यही नहीं, होते हैं, बोलते खुशूसी 51 रुपए मुश्किल आसान के। खुशखुशी होता है, खुशखुशी खुशखुशी के क्या करने, खुशखुशी के क्या खुशखुशी, हमें तो नहीं पता, हमने कभी, मैंने कभी दिया नहीं है कसम से, मैंने नहीं दिया है, खाली मेहमानी हम कोई उसमें वो अभी शबा जब पीते थे ना फरमान के काम, 2-3 रुपए उसमें डालते थे, बस यही हमें याद है, बाकी हम इस तरह नहीं देते थे। ये जो हाँ खुशूसी खुशखुशी क्या है? मतलब बड़ा बड़ा क्यूट बोल रहा है, खुशखुशी वो खुशूसी खुशखुशी मेहमानी जो होती है ना, वो स्पेशल स्पेशल होती है नांदी स्पेशल वो। अच्छा होगा ना शायद, खुशखुशी नहीं होगा, खुशखुशी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ चले आज का मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, लेकिन मेन सेंटर ऑफ द स्टेज नूरुल्लाह भाई, आज नूरुल्लाह भाई ने अपनी स्टोरी से इंस्पायर भी किया और बड़ा ही एक अच्छा हल्के माहौल में, जैसे मैंने इसका टाइटल रखा था गपशप, और गपशप रही माशाल्लाह, और बहुत ही रिवीलिंग फैक्ट्स पता चले। जी कमर समद मैं भाई, नुरली भाई को कुछ बोलना चाहूंगा। माशाल्लाह इनकी स्टोरी सुनी और इतनी अच्छी लगी। हम सब की स्टोरी कुछ ना कुछ ऐसी होती है, सब ऐसे ट्विस्ट हमारी स्टोरीज में भी होते हैं। और मैं एक बात कहूंगा कि देखें, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मोहब्बत जो है ना मेरी आयत है, सूरह रूम में अल्लाह कहता है मोहब्बत मेरी आयत है, तो जो अल्लाह मोहब्बत डाल सकता है ना वो निकाल भी सकता है। मैंने मोहब्बत डाली, अल्लाह कहता है तुमको मैंने बीवी मियाँ बीवी का जोड़ा बनाया, मोहब्बत मैंने डाली, मोहब्बत मेरी आयत है, तो जो अल्लाह मोहब्बत डालता है वो निकाल भी सकता है। तो जितने हमारे रिश्ते टूटते हैं ना, तो जिस तरह मैं बताऊं कि हम बोलते हैं कि यार वो हमको बोलते हैं कि हजार हजार काबे तोड़ो किसी का दिल ना तोड़ो, लेकिन हम कहते हैं सब रूठे रब ना रूठे, सही है माशाल्लाह क्या ना। तो बात है बात ये कमर कि समद भाई, मोहब्बत जबरदस्त। मोहब्बत अल्लाह डालता है तो निकाल भी सकता है। तो जितने हमारे टूटे रिश्ते हैं ना, मैंने तो ये अपनी जिंदगी में नोट किया है, जितने टूटे रिश्ते हैं ना वो अल्लाह बनाता है। अब एक बात बताऊं, आप और आपकी वाइफ की माशाल्लाह इतनी सी स्टोरी है, अल्लाह ताला जैसे सूरह यासीन में कहता है कि ऊंचे मसनद पे बैठे होंगे,
और वो कहते हैं ना कि अल्लाह कहते हैं तुम्हारे दर्जे कम नहीं करूंगा, मैं तुमको तुम्हारी बीवी के दर्जे पे ले आऊंगा, उसको नीचे नहीं करूंगा, तुम्हारे दर्जे बढ़ा दूंगा। तो ऐसी अल्लाह हमसे सुभान बातें कर रहे हैं कि तुम्हारी बीवियों को नए सिरे से पैदा कर दूंगा और कुंवारियां उनको बना दूंगा, और ऐसी बना दूंगा कि नजरें झुकी हुई नजरें होंगी, यानी वो ऐसी तुम्हारी बीवियां झुकी नजरों वाली नए सिरे से पैदा कर दूंगा। तो अल्लाह इतनी हमको बशारतें दे रहे हैं कुरान में, तो हम बोलते हैं कि यार देखो ये चीज है जिसके लिए जो है ना हम मेहनत कर रहे हैं, कि देखो यार फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत करते हैं, हमारे लेवल हमारे फैमिली के जितने हो जाएंगे ना। अब देखो इस्माइली क्या करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो ये मुशरिकीन मक्का क्या करते थे, अल्लाह एक सूरत में कहता है कि इनको चांद सा बेटा दिया, और जब प्रेग्नेंट थी बीवी तो बोलते थे कि अल्लाह अल्लाह ताला हमको चांद सा बेटा दे, ये रसूल की कौम जो थी, अल्लाह ताला चांद सा बेटा दे, जब बेटा हो गया तो बोलते शिर्क करने लगते हैं ये लोग। ये अल्लाह कुरान में कहता है। अब इस्माइली क्या करते हैं कि औलाद तो अल्लाह देता है लेकिन बाद में जाके पाठ पे जाके बच्चा रख देते हैं कि इसकी बैयत करो। तो इस्माइली भी वही चीज कर रहे हैं, जब बच्चा पैदा हुआ तो जाके पाठ पे रख देते हैं कि मुखी साहब इसकी बैयत करो। तो जो चीज उस वक्त मुशरिकीन के मक्का करते थे तो आज ये वही चीज कर रहे हैं। ये किसकी तरफ जा रहे हैं कि अल्लाह कहते हैं मियाँ बीबी तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, तो दोनों मियाँ बीबी एक दूसरे को बहका रहे हैं। लेकिन हम जिस स्टेज पे है ना, हमको अल्लाह कहते हैं तुम और तुम्हारी बीवियां ऊंचे मसनदों पे हो गए, तुम्हारे दर्जे बढ़ा दूंगा, इतनी अल्लाह बशारतें दे रहे हैं कि क्यामत के दिन हम बोलेंगे कि हम अल्लाह से डरते रहते थे, और हम दुनिया जो जन्नत में बोले जो जन्नत के लोग होंगे ना वो कहेंगे उनको खाने के लिए अच्छा अच्छा मिलेगा जन्नत में, तो कहेंगे कि दुनिया में हम अल्लाह से डरते थे और अल्लाह से दुआएं किया करते थे। तो जन्नत में हम कहेंगे कि हम अल्लाह से दुनिया में दुआएं कर रहे थे, तो हम दुनिया में किसी और से कैसे दुआ कर सकते हैं, जब जन्नत में हम कह रहे हैं कि हम अल्लाह से दुआएं दुनिया में किया करते थे, अल्लाह से डरते थे। तो आप ये देखिए कुरान में इतनी बशारत है हमारे लिए। तो मेरा ये मानना है कि जो अल्लाह मोहब्बत डालता है वो निकाल भी सकता है। तो हमारे जितने टूटे रिश्ते हैं ना, हमको इतना भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला सारे रिश्ते बना देगा, लेकिन हमारा एक स्टैंड होना चाहिए कि सब रूठे रब ना रूठे। ये बिल्कुल होगा तो इंशाल्लाह हम हमेशा जो है ना कामयाब रहेंगे। और इनकी स्टोरी ताकतवर सुन के रहेंगे। बहुत मुझे इंस्पायरिंग लगी, और अल्लाह ताला अगर इनको इनकी बीवी के दर्जे पे ले जाए, अगर इनका दर्जा बड़ा हो तो इनकी बीवी को इनके दर्जे पे ले जाए। और हमारे लिए को अल्लाह कहते हैं कि जिसने अल्लाह को बना लिया उसने मजबूत कुंडा थाम लिया है, अब वो बेशक कभी हिल नहीं सकता, उसने बेशक मजबूत कुंडा थाम लिया है। तो आप ये सुभान अल्लाह सोचें कि हम किस जगह पे खड़े हुए हैं, और ये इस्माइली जो शिर्क करते हैं, ये जब बच्चा पैदा होता है जाके पार्ट में फेंक देते हैं जिस तरह वो मुशरिक ने मक्का करते थे। तो कुरान तो तौहीद की दावत दे रहा है ना, लेकिन समझ नहीं रहे बात को। अगर ये चीजें जी समझेंगे तो इनको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। और अरे मुबारक हो नूरुल्लाह भाई को कि अल्लाह ताला ने इनको माशाल्लाह ऐसी नेक बीवी दी और ये इन दर्जों पे। आमीन और कहते हैं ना कि तुम्हारी आने वाली नस्लें जो है ना, वो हजरत मरियम दुआ समझ करती थी ना कि मेरी जो बीबी बेटी मरियम है ना, मरियम की माँ दुआ करती थी कि इसकी नस्लों को अल्लाह ताला तू जो है ना हिदायत पे रख, तू समीउ दुआ है, दुआ सुनने वाला है। तो ऐसे ही अल्लाह हमारी नस्लों को हिदायत पे रखे और आमीन सब आमीन एक साथ हों, और सुम्मा हमारे दर्जा अल्लाह बढ़ाए इंशाल्लाह। आमीन 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 सुम्मा आमीन आमीन इंशाल्लाह। कमर समद भाई का भी इंशाल्लाह इसी तरह हमारी एक गपशप रहेगी, और कमर समद भाई भी हमारे साथ इसी तरह, ये क्योंकि हमारा स्केड्यूल प्रोग्राम नहीं था, गपशप प्रोग्राम था नूरुल्लाह भाई के साथ। बड़े दिनों के बाद बात हुई और बहुत अच्छा एक टॉपिक रहा, बहुत सारी बातें रही, इंस्पायरिंग स्टोरी रही। और सबके लिए यही चीज़ें हैं कि इन्हीं स्टोरीज और इन रिवर्स स्टोरीज को बयान करने का मकसद यही होता है कि अगर आप किसी कश्मकश में मुबतला हैं तो आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, आपके सामने नमूने हैं जो अभी इन सब चीज़ों से निकल के राह हिदायत पर आ गए, और फिर बड़े पुरसकून भी हैं। माशाल्लाह नूरुल्लाह भाई ने अपना बताया कि अब वो कितने कामयाब हैं और कितने पुरसकून हैं। नमाज पढ़ने की आज़ादी है, अपने घर में बड़े सुकून से अल्लाह की इबादत करते हैं, कोई खौफ व ख़तर नहीं, कोई चार लोग पकड़ के ये नहीं कहते कि तुम जमात खाने आ जाओ और मौला बापा की इबादत करना शुरू कर दो। तो नूरुल्लाह भाई आपका एक आखिरी पैगाम यहाँ पर इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि पैगाम तो आप माशाल्लाह बहुत देते हैं और देते रहेंगे इंशाल्लाह जिस तरह आपने वादा किया, आखिर में आप क्या पैगाम देंगे अपने लिसनर्स को? माशाल्लाह काफी लोग आज सुन रहे हैं आपको। जी। मैं लास्ट में जो है पैगाम देना चाहूंगा, लास्ट पैगाम है मेरा कि देखिए, मैंने आपको मेरी रिवर्स स्टोरी आप सबके सामने रखी कि किस तरह से ये हालात परेशानी आती हैं जब कोई मुसलमान बनता है, कोई भी मजहब से, चाहे वो इस्माइली हो, हिंदू हो, कोई भी हो, जब वो मुसलमान बनता है तो उस पे तकलीफें आती हैं, क्योंकि वो एक इम्तिहान होता है उस शख्स का। जब वो ईमान में आता है
उसका एक इम्तिहान, एक टेस्ट होता है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह सुबहाना व ताला की तरफ से एक टेस्ट होता है, और अल्लाह सुबहाना व ताला देखना चाहते हैं कि जब ये ईमान में आया है, ये जो मैं इम्तिहान में, हालात में, परेशानी में जब इसको मैं डालूंगा, तो इसके ईमान की हलावत और इसकी ताकत देखते हैं कितनी है। तो वो चेक करने के लिए ये इम्तिहान होता है, ये हालात है, परेशानी तो आएंगी ही जब कोई बंदा मुसलमान बनता है। तो जो भी हमारे रिवर्ट्स भाई हैं, और जो हमारे इस्माइली भाई और बहनें हैं, और जो अभी भी रिवर्ट्स हो चुके हैं लेकिन अभी भी अपना वो जो है ऐलान नहीं कर पा रहे खुल्लम खुल्ला, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ना डरें, ये हालात परेशानी से बिल्कुल ना डरें, ये तो आनी ही है, ये हमारे लिए टेस्ट है, ये दारुल इम्तिहान है, दुनिया दारुल इम्तिहान की जगह है, और हम ये इस इम्तिहान में हमें पास होना है। हम किस तरह पास होंगे? जब तक हमारा ईमान मुकम्मल कामिल है, मजबूत है, मजबूत होगा, और हम इस दुनिया से इस ईमान को बचा कर लेकर जाएंगे अल्लाह सुबहाना वाला दरबार में, तब हम कामयाब हैं। हमको जब जन्नत मिलेगी तब हम कामयाब हैं। तो बस ये हालात और दुनिया की हालात, दुनिया की परेशानी तो आती रहेंगी, इस हालात को, परेशानी को झेलने के लिए हमें, इसके लिए हमें ईमान को, हमारा ईमान मजबूत होता है कि हमें हालात को, जब ये हालात आते हैं, परेशान आती हैं, तो हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, ना कि पीछे हटना चाहिए। तो जितना हम अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे उतना हमारा ईमान बढ़ता चला जाएगा इंशाल्लाह। एक आखिरी रिक्वेस्ट नूरुल्लाह भाई, प्रोग्राम की एंडिंग आपके पैगाम से, वो भी मौला बापा के नाम, वो भी नूर अली सुरानी के स्टाइल में। मैं हूँ नूर अली सुरानी, मौला बापा को क्या कहना चाहेंगे? मौला बापा को क्या कहें, मौला बापा तो मौला बापा ऐश कर रहे हैं इस्माइलियों के, बेचारे इस्माइलियों के पैसों से, और बेचारे इस्माइलियों को पता नहीं है, हम बता रहे हैं उनको, हकीकतें खोल रहे हैं उनके इमाम की, लेकिन वो आंखों पे एक पट्टी है, वो पट्टी अगर दुनिया में खोली तो अच्छी है, अच्छी बात है, हिदायत मिली अच्छी बात है, और वो पट्टी अगर नहीं खुली, कब्र में जाएंगे तो बहुत बड़ा मसला खड़ा होगा। मौला भाई मजा नहीं आ रहा, डायरेक्ट मौला बापा को बोले मैं हूँ नूर अली सुरानी, और मैं मौला बापा को मैं कहना चाहूंगा कि मैं हूँ नूर अली सुरानी, और आपको इंशाल्लाह एक्सपोज करके रहूंगा, आपका खुलासा करके रहूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सलमान करीम भाई आज बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अमीन मवानी भाई जरा यहाँ पे नाराज हो रहे थे कि हम शायद गुजराती लैंग्वेज का मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, गुजराती लैंग्वेज हमें बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छे तरीके से बात की जाती है, और मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं बहुत जल्दी गुजराती बोलना सीख जाऊँ, समझ तो मुझे पूरी आती है, लेकिन वो जो हमारी क्रियाएं होती थी उसी का एक दिखा रहे थे पुराना तरीका जो है वो नूरुल्लाह भाई, हमारा बिल्कुल भी तरीका नहीं था कि हम गुजराती को बिल्कुल भी हमारी तरफ से कोई मजाक नहीं था। जी जी बोले अनके, गुजराती में अभी भी होती है, मैं अपना खान को, अब मैं जहाँ पे पाकिस्तान में जमात कर जाता था, अब तो नहीं जाता हूँ, पर जहाँ जाता था वहाँ पे गुजराती में ही गिनती में बोला जाता, गुजराती में ही होती है। ठीक है, अच्छा चले जी प्रोग्राम। और एक सवाल है, मैं एक सवाल है मेरा आपसे, चलो पूछो पूछो। एक छोटा सा सवाल है, ये जो REC में 5 या 6 स्टैंडर्ड में वो पढ़ाते थे कुरान की बुक, ऑरेंज और ब्लू कलर की बुक होती थी, याद नहीं अगर आपको पता हो, पर क्या उसमें मतलब बदला गया है कि वही मतलब लिखा है जो कुरान में है? वो जो कुरान की आयतें जो भी उसमें होती हैं, वो कोई पूरा कुरान थोड़ी या पूरा सिपारा थोड़ी होता है, वो तो वही पिक एंड चूज की हुई आयतें, जैसे वो आतिउल्लाह रसूल होगी या सूरह यासीन होगी या बल्ले मुंजिला वाली होगी, वही डाली होती हैं, और उसको वो एक्सप्लेन भी इमाम के लिए करते हैं। नूर वाली सबसे ज्यादा वो जो आयतें नूर है वो ज्यादा पढ़ाई जाती है, और उसमें हर जगह पर जब वो एक्सप्लेन करने लगते हैं तो इमाम इमाम यानी तर्जुमा वो सेम रखते हैं, लेकिन कहते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन में इमाम ने अपने आप को बोला है, तो वो डायरेक्ट तर्जुमा चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर पता है एक जगह पर है सूरह यासीन की कि हमने तमाम चीजें हाजिर इमाम में समो दी है, वो गलत तर्जुमा है, वो बिल्कुल सरासर गलत है, हाजिर इमाम में समो दिया है, वो हाजिर इमाम तो है ही नहीं, वो तो किताब का जिक्र है, तो इमाम किताब थोड़ी है, तो इधर उन्होंने थोड़ी डंडी मारी है, लेकिन अभी तक ये उन्होंने पब्लिश नहीं किया अपना कोई कुरान, वरना फौरन ही मुसलमान जो है वो उस कुरान को ख़त्म करवाने की बात करते, तो तर्जुमा इन्होंने पब्लिश नहीं किया, तभी इस्माइलियों का कोई कुरान भी नहीं है, वरना फिर सारी चोरियाँ पकड़ी जाती कि जहाँ जहाँ ये तर्जुमा चेंज कर रहे हैं। आंसर देते हैं मैंने अनके आपको,
चलें अब मजीद सब, चलो ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। गपशप कैसी लगी नूरुल्लाह भाई के साथ? ऐसे मजीद प्रोग्राम देखना पसंद करेंगे, ऐसी एपिसोड्स कमर समद भाई के साथ तो इंशाल्लाह मेरी आने वाली चंद दिनों में इंटरव्यू इनका भी होना है, सलमान करीम भाई के साथ भी गपशप करेंगे हुंजा चित्राली स्टाइल में, चित्राली जबान बोलेंगे सलमान करीम भाई आप इंशाल्लाह आपके गपशप में, ठीक है? कमर समद भाई आप रेडी हैं इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। चले जजाकल्लाह खैर आप सबका, इस आज की गपशप बहुत अच्छी रही, बहुत ही इंफॉर्मेशन रही, और इंशाल्लाह आगे भी मजीद ऐसे प्रोग्राम लेके आपके सामने आएंगे सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए और हमारे हालात और वाकियात आपके बताने के लिए। लैला खोजा को बहुत पसंद आया और मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आप सबकी तारीफ करने का सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।